हरे कृष्णा। महाभारत के पार्ट टू डे है 33 में सभी का स्वागत करते हैं ऑनलाइन व्यूअर्स का। यहाँ पे बैठे प्रभु जी और गुरुकुल के स्टूडेंट्स का भी स्वागत करते हैं। विशेष दिन है इसलिए मैंने सोचा महाभारत से विशेष प्रसंग भी लें। और आज का जो विशेष प्रसंग है काफी कंट्रोवर्शियल है। काफी हद तक हम देखते हैं कि इसमें लोगों के प्रश्न हैं, अलग अलग व्यू हैं, अलग अलग सोच हैं। मेरा सिर्फ आज जो ऑनलाइन व्यूअर्स या जहां पे भी जो भी बैठे हैं, इसीलिए मैंने व्यास देव के जो महाभारत है मूल संस्कृत को भी आज मैं रख करके एक एक श्लोक को देखने वाले हैं, क्योंकि मैंने कई लोगों से सुना है, कई लोगों से मेरे को बोले कि प्रभु जी इसमें कुछ बहुत ज्यादा लोगों ने कुछ अलग बताया। सिर्फ फैक्ट जरूरी नहीं है, मैं स्थापना नहीं करना चाहता, मैं आपको बताना चाहता हूं। कई बार हम गलत फैक्ट बताने से क्या होता, प्रभाव क्या प्रभाव पड़ता है सोसाइटी में, क्या प्रभाव पड़ता है हमारे भक्ति में, और क्या प्रभाव पड़ता है ओवरऑल पूरा मतलब कि यूनिवर्स में, जहां तक कि क्योंकि एक झूठ धरती माता कहती है कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूं, पर एक जो झूठा व्यक्ति है उसके भार को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। और इस कलयुग में हम देखते हैं कि चार धर्म पे जो ये हमारा धर्म टिका, चार पिलर, फोर पिलर पे, उसमें तीन पिलर तो गिर गए, बस एक पिलर बचा वो भी सत्य है। लेकिन हम आज देखते हैं समहाउ अदर जो मॉडर्न थिंकर हैं, सो कॉल्ड मॉडर्न थिंकर, या जो टीवी सीरियल है जिनका सिर्फ मकसद है टीआरपी बढ़ाना, आई विल से जिनका मकसद सिर्फ टीआरपी बढ़ाना रहता है, जिनको कोई मतलब नहीं है शास्त्र से, दे प्रेजेंट द शास्त्र इन सच अ रॉन्ग वे, इन सच अ बैड वे, कि वो हमारे पूरे शास्त्र को तोड़ देते हैं, हमारे फेथ को हिला देते हैं। सो, हम देखेंगे एक एक प्रसंग को लेंगे। और जैसे सबसे पहला हमारा आज का डाउट भी रहेगा, क्या कर्ण ने अभिमन्यु को पीछे से मारा था? क्या कर्ण ने अभिमन्यु को मर्सी किलिंग दिया था? एक टीवी सीरियल में, महाभारत के टीवी सीरियल में दिखाया कि यूथेनेशिया, मर्सी किलिंग, जैसे हम मर्सी किलिंग देते हैं किसी को दया पे आकर के मार देना, क्या वैसे मारा था? बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, लविंग एंड रेस्पेक्टिंग, क्लैस ऑफ लव एंड लॉस, रॉन्ग बट राइट, ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग चीज भी देखेंगे। इसीलिए एक एक प्रसंग को भी लेंगे, हो सकता है पूरे दिन नहीं निकल जाएगा, 10 दिन हो चुका है महाभारत का ये युद्ध का, हो सकता है एक ही दो दिन आ जाए, लेकिन एक एक प्रसंग को जो व्यास देव ने और जो हमारे गुरु शिष्य परंपरा में बताया गया उसी को लेंगे। चलते हैं, तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को याद करते हैं, व्यास देव को प्रणाम करते हुए, शिल प्रभुपाद और गुरु शिष्य परंपरा को प्रणाम करते हुए हम मंगलाचरण करते हैं। नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवीम सरस्वतीम व्यासम ततो जयम उदीरयेत। हरे कृष्णा। तो जैसा कि हमने कल देखा था, महाभारत का युद्ध चल रहा है, 18 डेज महाभारत का युद्ध होता है। कल हमने 10 दिन तक देख लिया था, हमने देखा कि 10वें दिन क्या हुए, भीष्म पितामह गिर गए, भीष्म पितामह गिर जाते हैं। और भीष्म पितामह का गिरने का मुख्य कारण क्या होता है? अर्जुन, वो अर्जुन जो कि भीष्म पितामह के सामने खड़ा है, वो जिसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने दादा को मारूं कैसे, क्योंकि सामने दादा हैं, लेकिन हमें कर्तव्य भी करना है। तो वो अर्जुन हम देखते हैं कि कई बार इमोशन और इंटेलेक्चुअल अगर दो चीज देखें, तो इंटेलेक्चुअल पीपल वो लोग होते हैं जो कहते हैं सिर्फ लॉजिक, मेरे को सिर्फ लॉजिक बताओ कैसे ये सही है, और यानी ये हेड से काम लेते हैं। और इमोशनल पीपल जो होते हैं वो सिर्फ दिमाग से, जगह दिल से काम लेते हैं, हार्ट से, ओ ये चीज होना चाहिए, ये मेरा दिल कह रहा है। लेकिन हमें इमोशनली इंटेलेक्चुअल होना चाहिए,
क्या होना चाहिए इमोशनली इंटेलेक्चुअल लाइफ में, क्योंकि तब जो डिसीजन होता है वो काफी बेनिफिशियल होता है हमारे लिए भी और सोसाइटी के लिए भी। तो हम देखते हैं यही चीज कृष्णा भी बताते हैं अर्जुन को, गीता का जो ज्ञान दिया जो कि सॉन्ग ऑफ गॉड कहते हैं ना, अगर ये देखें तो सॉन्ग है लेकिन मीनिंगफुल है, मीनिंगफुल है और सॉन्ग है, क्या कॉम्बिनेशन है। तो इसी तरीके से लाइफ में हमें जो भी डिसीजन लेना होता है इंटेलेक्चुअली भी लेना है लेकिन इमोशन भी होना चाहिए। इसीलिए भगवान गीता में क्या कहते हैं, आम सर्वस्य प्रभो मत्ता प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। बुधा और भावना, बुद्धि और भावना दोनों की जरूरत पड़ती है लाइफ में। इसलिए यहाँ पे हम देखते हैं जब भीष्म पितामह सामने थे, क्योंकि कर्तव्य युद्ध था, धर्म युद्ध था, भले ही मारना नहीं चाहते थे अर्जुन लेकिन मारना पड़ा और उन्होंने भीष्म को लेटाना पड़ा। एक और चीज हम देखते हैं, कई बार भीष्म पितामह के जैसे जीवन से, और ये हम देखते हैं कि लविंग एंड रेस्पेक्टिंग जो ये कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब क्या हुआ लविंग एंड रेस्पेक्टिंग। जैसे कई बार हम जैसे बच्चे होते हैं माता पिता से लव करते हैं या माता पिता भी बच्चों से लव करते हैं। अभी एक अच्छा बच्चा सिर्फ ये नहीं बोलेगा कि मम्मा हैप्पी बर्थडे या पापा हैप्पी बर्थडे, या ये नहीं कहेगा कि आपको मैं बहुत प्रेम करता आई लव यू आई लव यू। लव को एक्सप्रेशन करने का एक नजर माध्यम होता है, वो होता है सर्विस, और खास करके बाय फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन। भीष्म देव भगवान कृष्ण के बहुत ही प्रिय कह सकते हैं, लविंग डिवोटी थे, भक्त थे, और जो भी कारण हो वो भगवान को बहुत ज्यादा, मतलब कि उनके भगवान की भगवत्ता पे उनको विश्वास था। बट समहाउ अदर किसी विशेष परिस्थिति के कारण उनको अधर्म के तरफ से युद्ध करना पड़ता है। तो हम देखते हैं वो भगवान से प्रेम तो कर रहे हैं लेकिन समहाउ अदर ही इज नॉट रेस्पेक्टिंग द लॉ ऑफ कृष्णा, कृष्ण का जो लॉ है उसके प्रति रिस्पेक्ट वो नहीं कर रहे, क्योंकि कृष्णा का क्या लॉ है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानी भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम, कि मैं जब जब आता हूँ हे भरतवंशी, हे भरतवंश अर्जुन, मैं मेरा मुख्य उद्देश्य क्या होता है, धर्म की स्थापना करना। तो वो जो भीष्म पितामह अधर्म के तरफ से युद्ध कर रहे थे तो एक प्रकार से वो भगवान के लॉ का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे और इसलिए भगवान को उनको हटाना पड़ गया। तो हम देखते हैं कई बार हम अपने जीवन में भी कि हम भगवान का आते तो है मंदिर में, भगवान का वर्शिप भी करते हैं हम लोग, लेकिन भगवान के जो धर्म युक्त कार्य है जैसे कि आज एकादशी का व्रत का पालन करना चाहिए, एकादशी की महिमा को सुनना चाहिए, वो हम कई बार नहीं करते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने जो लव है उसको एक्सप्रेस करें, कैसे, जब हम रेस्पेक्ट करेंगे उनके वचनों को, शास्त्रों को और जो भगवान के दिए हुए कार्यों को, नहीं तो सिर्फ कहना कि मैं लव करता हूँ लव करता हूँ, ये हमको शोभा नहीं। तो आगे बढ़ते हैं, भीष्म पितामह जब गिर जाते हैं और बाणों की सैया पे लेटे रहते हैं, इधर सभी जो पांडव भी थे खास करके अर्जुन, जिनके हाथों से स्वयं भीष्म पितामह कहते हैं कि शिखंडी के बाण मेरे जो शरीर को है वो छेद कर ही नहीं सकते, ये तो अर्जुन के बाण है, अर्जुन के बाण जो कि मेरे शरीर को छेद करके निकल गए। जब ऐसा वो बोलते हैं और फिर आराम करते हैं, उसी समय सूर्यास्त हो जाता है,
भीष्म पितामह जाते जाते एक बार फिर बोलते हैं दुर्योधन को, दुर्योधन अभी भी मौका है, तुम देख लो मेरी गति, मेरे को आज तक किसी ने गिराया नहीं, परशुराम जी जो कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं, जिन्होंने 21 बार पूरे पृथ्वी पे क्षत्रियों का संहार किया, वो परशुराम जी ने भी मेरे को नहीं हरा पाए, पर आज मैं भीष्म परशुराम से वशिष्ठ से बृहस्पति से ऐसे कई जने जो महादेव रुद्र भगवान शंकर से जिनको वरदान मिला हो, ऐसे भीष्म पितामह आज पांडवों की सैया पे लेट के कहते हैं अब भी मौका है दुर्योधन, तुम संधि कर लो युधिष्ठिर से। दुर्योधन नहीं सुनता है, वो वहां से चला जाता है। भीष्म पितामह भी शांत होकर के, क्योंकि इच्छा मृत्यु है, वो इच्छा मृत्यु होने की वजह से वो सोचते कि अभी मेरे को जाना नहीं है। उनकी माँ गंगा भी आती है कि अभी चलो पुत्र, लेकिन वो कहते नहीं, मैं चाहता हूँ हस्तिनापुर को सुरक्षित देखूं। अगर हम देखें भीष्म पितामह का एनालिसिस करें थोड़ा सा लाइफ में, उनका जो ये वाव था, ये वचन था, ये धर्म था, लेकिन ये पर्सनल धर्म था। क्या था? पर्सनल धर्म। पर्सनल धर्म कैसे कह सकते हैं, क्योंकि पर्सनल धर्म इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि उन्होंने क्या वचन लिया था कि मैं किंगडम को बचाऊंगा। मेरा आपसे एक प्रश्न है, भारत श्रेष्ठ है या धर्म श्रेष्ठ है? आप सोचना, भारत में जो भारत का जो अगर अनुवाद करे तो लोग बोलते हैं भाव और राग और ताल, जहां धर्म के प्रति भाव हो, जहां राग धर्म के प्रति हो, जहां ताल धर्म से युक्त हो, तो वो भारत है। तो ये भारत में प्रश्न उठता है कि किंगडम बड़ा है या धर्म बड़ा है, ये हमें सोचना चाहिए। इनका पर्सनल धर्म क्या था कि मैं हस्तिनापुर को सुरक्षित देखना चाहता हूं, किंगडम को सुरक्षित देखना चाहता हूं। कौन? भीष्म पितामह। पर पर्सनल धर्म से सबसे बड़ा धर्म होता है इटर्नल धर्म, जो कि भगवान कहते हैं। इसीलिए व्यास देव ने सारे ग्रंथों को लिखने के बाद श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथ में जहां से भागवत धर्म की चर्चा की है, बाकी अन्य कैटव धर्म को त्याग करके भागवत धर्म की स्थापना की गई है। तो इटर्नल धर्म क्या है? इटर्नल धर्म ये है कि जीव कैसे भगवान से जुड़े, और भगवान भी ऐसा कार्य करते हैं जिससे कि समाज में अराजकता या करप्शन या आप कह सकते हो कि ऐसे सिचुएशन ना पैदा हो जिससे कि व्यक्ति उस जो परम धर्म को स्थापना करने के लिए भगवान आते हैं कि वो बैक टू गॉड हेड, वो मेरे साथ पुनः मेरे भगवत धाम जा सके, उसके ऊपर उसको रोक ना लगे। क्योंकि जब दुर्योधन जैसा अगर राजा राज्य करेगा, वो क्या करेगा? अत्याचार करेगा। जहां अत्याचार होगा वहां पे धर्म नहीं होगा, जहां धर्म नहीं होगा, जहां व्यक्ति की बुद्धि धर्म में नहीं रहेगी, तो हम आज स्वयं देखते हैं जहां धर्म अधर्म का इतना व्याख्या लोग करते हैं, और जो मनाता है वो बोलते हैं धर्म शास्त्र के खिलाफ, यहां तक कि कुछ भी गलत दिखा देते हैं, तो हमारा क्या होता है, हमको भी डाउट हो जाता है अपने शास्त्रों पे। जो शास्त्र भगवान ने दिए हैं, जिसके माध्यम से व्यक्ति ऊपर उठ सकता है, उसी शास्त्र को, जिस रस्सी के पकड़ के हम कुएं से बाहर निकल सकते हैं, अंधे कुएं से, उसी रस्सी को हम सांप समझते हैं और छोड़ देते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि ऐसे धर्म युक्त राजा हो, ऐसे धर्म के इस बात की चर्चा होनी चाहिए। इसलिए आज जो मैं आपको बताने जाऊंगा वो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन में वो प्रभाव डालते हैं, और ये गलती किया इसीलिए भीष्म देव को भी भगवान ने नीचे गिरा दिया।
जब भीष्म देव का नीचे गिरने का पता चला, कर्ण भीष्म देव से मिलने आता है और कर्ण भीष्म देव से मिलता है और सबसे पहले भीष्म देव उसको बोलते हैं कुंती पुत्र कर्ण। ये देख करके कर्ण को आश्चर्य होता है कि आपको कैसे पता कि मैं कुंती का पुत्र हूं। भीष्म पितामह कहते हैं मेरे को नारद मुनि से पता चला। और भीष्म पितामह भी कर्ण को एक मौका देते हैं, कहते देखो दुर्योधन को सबसे ज्यादा भरोसा तुम पर है, तुम्हारे अहम पे है, तुम्हारे दम पे, और तुम भी कई बार अहंकार के बदले बोलते थे, क्योंकि तुम्हारा जो जन्म हुआ है ना वो धर्म के विरुद्ध हुआ है, क्योंकि भगवान सूर्य ने जबरदस्ती करके कुंती को गर्भ धारण कराया, इसलिए धर्म के लोप के कारण तुम्हारा जन्म होने के वजह से तुम भी अहंकारी हो जाते हो, और तुम्हारा अहंकार प्लस दुर्योधन का अहंकार बढ़ा करके और बड़ा हो जाता है, जिससे कि दुर्योधन और बड़ा हो जाता है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम युद्ध में मत आओ, और इसीलिए मैं ये सोच रहा था, मेरा कारण ये भी था कि तुमको युद्ध में नहीं रखने का, कि किसी प्रकार से तुम युद्ध से अलग रहो और समझ सको कि तुम भी कुंती के पुत्र हो, पांडु पुत्र हो, तुम अधर्म में कैसे लग सकते हो, तुमको धर्म में लगे रहना चाहिए। कर्ण सुनता है पर कुछ समझता नहीं, कहता नहीं मैं दुर्योधन को नहीं छोड़ सकता, और कहता मुझे बस आप आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि आप भीष्म पितामह हैं, आप बड़े हैं, और आप मुझे आशीर्वाद दीजिए जिससे कि मैं युद्ध में अच्छे से युद्ध करके अर्जुन की हत्या मृत्यु का कारण बने। भीष्म पितामह कहते हैं जहाँ देवकी नंदन कृष्ण हैं वहाँ अर्जुन या धर्म का कभी नाश हो नहीं सकता, फिर भी मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि तुम पूरे पराक्रम के साथ युद्ध करो। और ये बोल करके फिर दुर्योधन कर्ण के पास आता है और दुर्योधन कर्ण को कहता है कि मुझे अभी सेनापति बनाना है किसी को, क्योंकि बिना सेनापति के सेना ऐसे उखड़ जाती है जैसे हाथी जो कमल या किसी फूल को ऐसे बगीचे से उखाड़ लेता है वैसे, इसलिए तुम मेरे को बताओ सेनापति कौन होना चाहिए। जब कर्ण से ऐसे पूछता है दुर्योधन, देखो दुर्योधन बहुत चालाक है, उसको पता है कि कर्ण तो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अहम अहंकारी है, तो इसीलिए वो चाहता था दुर्योधन कर्ण को बनाना सेनापति, क्योंकि दुर्योधन को ये मालूम था कि ये जो कर्ण है इसका बहुत ज्यादा द्वेष है पांडवों के, भीष्म का फिर भी एक प्रेम था और द्रोणाचार्य का भी प्रेम है, तो इसलिए वो कर्ण के पराक्रम को देखते हुए वो जानता है कि इसके अंदर बहुत द्वेष है, इसलिए वो डायरेक्टली ना बोल करके वो चाहता था कि कर्ण बोले कि हाँ मुझे ही बना दो, क्योंकि स्वभाव था कर्ण का कि वो अपने व्याख्यान खुद अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, वो कर्ण की बहुत ज्यादा हम देखते हैं कई बार उसने ऐसा किया। जब दुर्योधन ऐसा बोलता है लेकिन कर्ण इस बार ये ना बोल करके वो कहता है कि सुनो दुर्योधन, अगर मुझे सेनापति बनाया या किसी ऐसे किसी व्यक्ति को सेनापति बनाया गया, यहाँ पे हर एक राजा वीर है, तो दूसरा राज्य के अंदर द्वेष पैदा हो जाएगा, जैसे नहीं दो बच्चे हैं, आपने किसी एक को चॉकलेट दे दिया तो दूसरा बच्चा सोचेगा प्रभु जी आप मैंने क्या किया, मुझे क्यों चॉकलेट नहीं दे रहे, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि ऐसी किसी को बनाओ जिसको प्रति लोगों को कोई द्वेष ना हो, सब उसके प्रति सम भाव रखें। और कर्ण कहता है मेरे को तो द्रोणाचार्य ही दिखते हैं जो कि सेनापति प्रधान सेनापति बन सकते हैं। कर्ण के इस बात को मानते हुए दुर्योधन कर्ण सभी राजा जाते हैं द्रोणाचार्य के पास, और द्रोणाचार्य से दुर्योधन बोलता है
जैसे रुद्रों में शंकर श्रेष्ठ हैं, जैसे यक्षों में कुबेर श्रेष्ठ है, जैसे मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है, जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है क्योंकि गंगा भगवान के चरणों से, जैसे देवताओं में इंद्र श्रेष्ठ है, पराक्रम दिखाते हैं, जैसे सेनापति देवताओं के कार्तिकेय हैं, वैसे मैं आपको द्रोणाचार्य अपने इस 11 अक्षौणी सेना का प्रधान सेनापति नियुक्त करना चाहता हूं। ये बोलकर सभी लोग साधु हरि बोल, हरि साधु साधु कहने लग गए। और द्रोणाचार्य जो कि ये जान रहे थे कि ये दुर्योधन मेरे पास नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि भीष्म के तरह ही मेरा भी एक सॉफ्ट कॉर्नर है पांडवों के प्रति, और उनको लगता है कि शायद मेरे को छोड़कर के वो कर्ण को ही प्रधान सेनापति बनाएगा, जो कि उसका मत था। लेकिन जब जैसे आप सोच रहे हो कि ये मेरे को कुछ नहीं मिलेगा और आपको कुछ मिल जाए तो कितना हर्ष की बात है, उस तरीके से द्रोणाचार्य बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और उस खुशी में उन्होंने कह दिया, दुर्योधन मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं, मांगो कोई वर मुझसे जो तुम्हें प्रिय हो। और यही मौका का फायदा उठाया दुर्योधन ने। दुर्योधन बोलता है, मेरे को युधिष्ठिर जिंदा चाहिए। क्या चाहिए? युधिष्ठिर जिंदा चाहिए। जैसे ही ये सुनता है द्रोणाचार्य, वो उनको आश्चर्य होता है। वो कहते हैं, युधिष्ठिर को जिंदा चाहते हो? क्या दुर्योधन तुम्हारे अंदर जो द्वेष मैंने बचपन से देखा पांडवों के प्रति, वो अब थोड़ा सा कम हो रहा है कि तुम युधिष्ठिर को जिंदा चाह रहे हो? या तुम्हारे अंदर प्रेम आ गया है अपने भाई को मृत्यु पे नहीं लेटने, नहीं चाहते हो कि वो लेटे, या तुम भयभीत हो रहे हो, या कोई और कारण है जो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि तुम जिंदा क्यों चाहते हो युधिष्ठिर को? और यहाँ पे दुर्योधन बोलता है, मैं इसलिए जिंदा चाह रहा हूँ युधिष्ठिर को, क्योंकि मेरे को पता है अगर मैं युधिष्ठिर को मार भी दिया ना, देखो इतना पराक्रम कल जो युद्ध किया अर्जुन को, इसलिए अर्जुन पे क्वेश्चन उठा देना सिर्फ ये कि शिखंडी के पीछे छिप छिप के मार दिया, ये टोटली गलत है। आप किसी वीरता, कोई वीर अपना वीरता प्रदर्शन, जैसे कोई बच्चा रात भर पढ़ाई करके टॉप करता है और आप उसको बोलते हो कि अरे वो तो चीटिंग करके पास हुआ है, आप सोचो कितना बड़ा उसके शौर्य, उसकी बुद्धिमत्ता, उसके करेज, उसके जो मेहनत है उस पर आप क्वेश्चन उठा रहे हो। तो ये दुर्योधन जब देखता है, कहता है कि सुनियाचार्य मेरे को भय हो रहा है, किससे? अर्जुन से। अगर मैंने युधिष्ठिर को मार भी दिया, अगर somehow अदर मैंने युधिष्ठिर को हमने मार भी दिया, अर्जुन और जो उसके सारथी हैं भगवान श्री कृष्ण, उनके पराक्रम को तो आपने कल देख ही लिया कि उन्होंने भीष्म पितामह को लेटा दिया। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि युधिष्ठिर को जिंदा पकड़ लो। द्रोणाचार्य ने कहा कि जिंदा पकड़ने से क्या होगा? अगर आप सिर्फ उसको जिंदा पकड़ के ले आइए, मैं क्या करूंगा? मैं फिर से युधिष्ठिर को जैसे पहले छल और कपट से द्वंद में चौसर के क्रीड़ा में हराया था, वैसे मैं उसको द्यूत क्रीड़ा में फिर हरा दूंगा। पर वो ये नहीं जानता था, अब जो युधिष्ठिर महाराज थे वो बृहदस्व ऋषि से युद्ध क्रीड़ा के साथ साथ जो द्यूत क्रीड़ा है उसमें भी एक्सपर्ट हो गए। अगर होता तो इस बार वो नहीं हारते, लेकिन इस बार नहीं हुआ। और इसलिए दुर्योधन कहता, आप उसको पकड़ करके मेरे को लेके आइए।
यहाँ पे द्रोणाचार्य हंसते भी हैं और थोड़ा सा क्रोधित भी होते हैं। कहते हैं, अरे तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का धर्म होता है कि वो क्षत्रिय अपने तेज से युद्ध करके जीते हैं, और तुम छल और कपट की बात कर रहे हो। लेकिन चूंकि मैंने वरदान दिया है, मैंने कहा तुमको कि वर मांगो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए युधिष्ठिर को जिंदा पकड़ूंगा। बस एक चीज याद रखो, जैसे ही तुमने बोला ना अर्जुन के पराक्रम के, तो याद रखो अर्जुन मेरा शिष्य है, मेरा शिष्य है, लेकिन मेरे से आगे बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि उसने भगवान शंकर को संतुष्ट करके पाशुपात अस्त्र प्राप्त किए, उसने दिव्यास्त्र प्राप्त किए जो मैंने भी नहीं दिए थे, स्वयं जा करके इंद्र से और अनेक देवताओं से। उसने अकेले ही हम सभी को विराट के उस युद्ध में नाको चने चबा दिया था। इसलिए अगर तुम सिर्फ अर्जुन को युद्ध से अलग रख देते हो, मैं तुमको वचन देता हूं कि क्या होगा, युधिष्ठिर को मैं पकड़ के तुम्हारे पास बंदी बनाकर ले आऊंगा। दुर्योधन कहता है, उसकी आप चिंता मत करिए, मैं अर्जुन को रोकूंगा, आप बस युधिष्ठिर को पकड़िए। और इस तरीके से जब ऐसा बोल देते हैं, अगला दिन स्टार्ट हो जाता है, और ये है हमारा आज का 11वां दिन महाभारत का। देखते हैं क्या क्या चीज होता है महाभारत के इस युद्ध में। तो सबसे पहले अगर देखें तो इस महाभारत के युद्ध में 11वें दिन शकुनी, जो कि कपटी शकुनी का लड़ाई होता है सहदेव के साथ, और सहदेव और शकुनी के बीच में महायुद्ध चल रहा होता है। इधर भगदत्त और द्रुपद के बीच में युद्ध हो रहा होता है। अभिमन्यु का युद्ध हो रहा होता है लक्ष्मण, जो कि इकलौता पुत्र है दुर्योधन का। घटोत्कच, जो कि हिडिंबा का पुत्र है, भीम का पुत्र है, जो राक्षस प्रवृत्ति का है, वो अलम्बुस के साथ युद्ध कर रहा होता है, क्योंकि उसने अलम्बुस ने क्या किया था, 8वें दिन इरावान का वध किया था। ये दोनों लड़ रहे होते हैं। और फिर भीम और शल्य का युद्ध हो रहा होता है। इसका भीम और शल्य का, भीम और शल्य, शल्य मामा है भीम के, मद्र राज के देश के राजा भी हैं। दोनों एक दूसरे से पराक्रम है, दोनों चट्टान की तरह आते फिरते हैं, बाणों से भीम उनको भीतता है, मारता है, वो उनको मारते हैं, लेकिन अंत में भीम विजयी हो जाता है और शल्य को गिरा देता है। और अर्जुन जो था वो सुधन्वा और इन सुशर्मा से युद्ध में लगा रहता है। और युधिष्ठिर जो थे की तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं द्रोणाचार्य। और जैसे ही द्रोणाचार्य आगे बढ़ने लग जाते हैं, तो सबसे पहले आते हैं धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न बहुत प्रभावशाली है, नो डाउट, लेकिन आज द्रोणाचार्य तपस्या प्रण करके आ रहे थे और वो मारना स्टार्ट करते हैं पांडवों की सेना को पढ़ते हुए। क्रौंच जैसा उन्होंने व्यू की रचना की थी और वो मारना स्टार्ट करते हैं। महाभारत में वर्णन आता है उन्होंने इतने मारे सैनिक के पांडवों के, कि पांडवों के जो सैनिक के सिर थे वो कमल जैसे लग रहे थे, सब जगह जैसे कमल खिल गया। कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में। तो कीचड़ क्या कैसे हो गया, क्योंकि धूल से खून सना हुआ था, इसलिए इतने खून बह रहे थे, नदी के जैसे खून बह रहे थे, पर वो मिट्टी से मिल जाने के कारण कीचड़ थे। और जैसे कमल की जो, कमल क्या होता है, कमल किसी डंडे या सब पे, तो तलवारें जो गिरी हुई थी, जो तलवारें योद्धाओं की, वो वैसे लग रही थी जैसे कमल के डंडे के जैसे। और बाकी जिनके शरीर ऐसे पूरे गिरे हुए थे, वो आभूषणों के जैसे, ऐसे मारते हुए द्रोणाचार्य
इतना पराक्रम दिखा रहे थे कि आज वो कह रहे थे कि मैं निश्चित ही युधिष्ठिर को बंदी बना दूंगा। और इस वेग से आगे बढ़ रहे होते हैं, धृष्टद्युम्न को साइड कर दिया, सात्यकी को साइड कर दिया, सत्यजीत को साइड करते हुए आगे बढ़े, पांचाल कुमार जो कि सब आ गए उसके द्रुपद, उनका जो दुष्ट मतलब कि दोनों के बीच में काफी विरोधाभास था, विरोध थे दोनों मित्र, उनको भी स्वाइट करते हुए आगे बढ़ी रहे थे। और ऐसा लगा दुर्योधन खुश हो गया कि आज तो गया, और सब कौरव लोग हंसने लगते आज गया, क्योंकि बस कुछ ही मिनटों में बाकी था। युधिष्ठिर भी युद्ध कर रहे थे लेकिन कहां द्रोणाचार्य, आज द्रोणाचार्य तो एकदम शंकर के रूप में, एकदम रुद्र के अवतार के रूप में वो बढ़ते जा रहे थे। और जब इस तरीके से वो बढ़ रहे थे तो हम देखते हैं कि द्रोणाचार्य ने सबसे पहले युधिष्ठिर का धनुष काट दिया। धनुष काटने के बाद द्रोणाचार्य ने फिर से पांचाल कुमार, सात्यकी, विराट, शिखंडी, नकुल, सहदेव सबको हरा डाला। और जब इतना करीब पहुंच ही गए थे और सब कौरव लोग हल्ला करने लग गए, आज तो युद्ध समाप्त हो गया क्योंकि युधिष्ठिर पकड़ में आ गए, उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण रथ को लेकर के अर्जुन के साथ आ जाते हैं और अर्जुन और द्रोणाचार्य में भयंकर युद्ध होना आरंभ हो जाता है, गुरु और शिष्य में पहली बार। और अर्जुन इतने बाण मारता था, महाभारत में वर्णन आता है कि कब वो बाण रखता था, कब वो छोड़ता था, ये पता ही नहीं चल पाता था, ऐसे वो मारने लग गया बाण। ये देख करके सारे कौरव सेना पीछे भागने लगे क्योंकि उनको लगा कि अब तो पकड़ लेंगे, सब आराम करने लग गए थे, पीछे भागने लग गए। और उसने अर्जुन ने अकेले ही द्रोणाचार्य के रथ को रोक डाला। और द्रोणाचार्य को रोकने के बाद देखा द्रोणाचार्य ने सूर्यास्त हो रहा है तो उन्होंने शंख बजा दिया। और हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट पकड़ लिया था जिस युधिष्ठिर को द्रोणाचार्य ने, वो अर्जुन के पराक्रम से बच गए। और यहाँ पे एक चीज हम देखते हैं कि दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाता और कहता है कि आचार्य आपने कैसे छोड़ दिया युधिष्ठिर को। द्रोणाचार्य कहते हैं कि तुमको शर्म नहीं आ रहा, तुम देखे नहीं, अरे मैं मारने के लिए ही पहुंच गया था, युधिष्ठिर को पकड़ ही लिया था लेकिन अर्जुन आ गया, मैं क्या करता, मैंने तुमको पहले ही बोला जब अर्जुन आ जाएगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पे एक चीज हम देखते हैं, दुर्योधन कभी हिस्ट्री से, इतिहास से सीखता ही नहीं था, कभी भी इतिहास से नहीं सीखा। इसलिए जो लोग दे डू नॉट लर्न फ्रॉम द लेसन फ्रॉम हिस्ट्री, दे बिकम द लेसन ऑफ हिस्ट्री। बचपन से जहर दे के मारना चाह भीम को, भीम ताकतवर होके निकला, आग में जला करके मारना चाह रहे थे, बच करके निकल के और ताकतवर हो गए। 12 साल वनवास में भेजा, वो 12 साल वनवास को उन्होंने क्या कर लिया, यूज कर लिया किसके लिए, और ताकतवर बन के। तो यहां पे हम देखते हैं कि सीखना था दुर्योधन को कि अरे नहीं हरा सकते, फिर भी वो नहीं समझा। और अब देखते हैं 12वां दिन महाभारत, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट डे है, हर दिन इंपॉर्टेंट है लेकिन महाभारत के इस दिन में कुछ विशेष हुआ। और जब अर्जुन को नहीं हरा पा रहे थे, दुर्योधन को सबसे बड़ी अब चिंता हो गई कि क्या करूं कि जिससे कि अर्जुन पीछे हट जाए। और इधर तिगर्त देश का जो राजा था सुशर्मा, वो कहता है कि अर्जुन ने हमको कई बार युद्ध में हराया है, इसलिए हम उसके प्रति प्रतिशोध करते हैं। और कहता है वचन लेता हूं मैं, या तो कल हम अर्जुन को मार डालेंगे या तो स्वयं मर जाएंगे, लेकिन आप ये याद रखिए कि अर्जुन को हम हटा देंगे। तो तिगत देश का राजा सुशर्मा, सुधन्वा, उसके पांचों जो भाई थे
सुशर्मा के, और प्लस जो उनकी सेना थी जिसका नाम था संसप्तक सेना, संसप्तक सेना, इन लोगों ने अग्नि में यज्ञ किया, जैसे हम लोग भी यज्ञ करते हैं अग्नि में, अग्नि में यज्ञ करके प्रण लिया, वचन लिया कि कल या तो अर्जुन को हम वध करेंगे और नहीं तो अर्जुन के द्वारा मारे जाएंगे और हट जाएंगे, लेकिन हम भागेंगे नहीं। जब ये प्रण लेकर के संसप्तक सेना सुधन्वा और सुशर्मा, तो दुर्योधन को लगा अब तो मामला क्लियर हो गया, अर्जुन को उधर लेके ये जाएंगे और हम कल युधिष्ठिर को पकड़ेंगे, और कल द्रोणाचार्य ने गरुड़ व्यू, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, गरुड़ व्यू की रचना की। गरुड़ व्यू की रचना करते हुए सबसे आगे जो गरुड़ का जो चोक जैसे होता है वो द्रोणाचार्य खड़े हो गए, और इस प्रकार वो आगे बढ़ने लग गए। देखते हैं कि क्या होता है। तो जब 12वां दिन युद्ध आरंभ हुआ, सुशर्मा अपने भाइयों के साथ अर्जुन को ललकारता है युद्ध के लिए कि आओ मेरे साथ युद्ध करो। अर्जुन कहता है कि मेरी प्रतिज्ञा है केशव, जो मेरे साथ मेरे को ललकारेगा मैं उसके साथ युद्ध करूंगा। युधिष्ठिर कहते हैं कि हाँ ठीक है, ये युद्ध तो करना ही चाहते हो, लेकिन ध्यान रखना कि ये द्रोणाचार्य ने प्रतिज्ञा ली है मेरे को जिंदा पकड़ने का। अर्जुन कहते हैं कि आप घबराइए नहीं भैया, आपकी रक्षा करने के लिए धृष्टद्युम्न है, सत्यजीत है, और पांचाल की पूरी सेना है, पांचाल कुमार। और अर्जुन सुशर्मा के ललकार को सुनते हुए उसकी तरफ पढ़ने लग जाते हैं। तो हम देखते हैं कि द्रोण आगे बढ़ते हैं युधिष्ठिर को पकड़ने के लिए। धृष्टद्युम्न और युधिष्ठिर दोनों द्रोणाचार्य से युद्ध कर रहे होते हैं, लेकिन धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य को मार नहीं पा रहे थे। इधर जो दुर्योधन था उसने भगदत्त को भेजा। ये राजा जो भगदत्त हैं, इनके पास एक विशाल हाथी थी, हाथियों का झुंड था, उस हाथियों के झुंड में एक विशाल हाथी थी। महाभारत में वर्णन आता है उस हाथी वो इंद्र के हाथी के जैसा गजरास था, और उसने जो कवच डाल रखे थे उसको भेद पाना बहुत मुश्किल था। उस पर बैठ करके भगदत्त गजराज के साथ गर्जना करते हुए दौड़ आता है वो हाथी को, और वो हाथी जब युधिष्ठिर के तरफ दौड़ते हुए आ रहा होता है, भीम बीच में आता है और भीम कई बाण मारता है उस हाथी को, लेकिन वो जो गजराज जैसा हाथी होता है उसको कुछ भी नहीं होता है, उसका जो कवच था उसको भेद ही नहीं पा रहा होता है। और वो हाथी को इतना क्रोधित, मतलब इतने बाण मारता है, फिर भी हाथी दौड़ते हुए भगदत्त क्या करता है कि कहता है हाथी अपने गजराज को कि अटैक कर दो, और जैसे ही हाथी उछलता है इसके ऊपर, ये भीम के रथ के ऊपर, भीम फुर्ती से उछल जाते हैं और हाथी के जो पैर के नीचे वो रथ का चकना चूर हो जाता है। ये देख करके अरे भीम मारा गया, भीम मारा गया, भीम मारा गया, पर भीम तो फुर्ती से निकल गए होते हैं, भीम का पराक्रम। और फिर वो जो गजराज रहता है भगदत्त कहते हैं पहले युधिष्ठिर को छोड़ो, पहले भीम को मारना है, और वो भीम के ऊपर फिर अटैक कर देते हैं। अभी आप सोचो भीम का पराक्रम, ऐसा गजराज जिसके ऊपर भीम ने इतने बाण मारे फिर भी कुछ असर नहीं हुआ, वो आपके ऊपर रथ आपका पूरा चकना चूर तहस नहस कर दिया, और वो आपके ऊपर फिर से अटैक करने के लिए आता है, और भीम पराक्रम भागने की जगह वो भी दौड़ पड़ते हैं गजराज की तरफ,
और वो दौड़ते हुए ऐसे नीचे वो सरक जाते हैं और नीचे घुस करके वो मारने लगते हैं नीचे से उस गजराज को, और बहुत मारते मुक्का लेकिन कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा था। वो स्पेशल हाथी था उसका, भगदत्त का, और वो जो हाथी था वो अपने जो सूंड से ऐसे अंदर पकड़ के भीम को पकड़ के ऐसे पटक के मारता है। भीम गिर जाते हैं, फिर लेकिन उठते हैं और फिर उठते हैं और फिर वो उसको अंदर घुस करके फिर मारते हैं, लेकिन वो फिर उठा उठा के ऐसे भीम को पटक पटक कर मारने लगता है। इधर द्रोण क्या करते हैं, जो पांचाल कुमार जो रक्षा कर रहे होते हैं युधिष्ठिर का, सबसे पहले सत्यजीत, सतानिक, दृढ़सेन, क्षेम, वसुदान, ऐसे करके सारे पांचालों का वध कर देते हैं। कौन? द्रोणाचार्य। सबको अपने बाणों से मारते मारते सबका वध करने लग जाते हैं और लगभग अब वो युधिष्ठिर पे विजय प्राप्त करने को आगे बढ़ जाते हैं। इधर जब ऐसा भगदत्त भी जो है, जो उनका गजराज था, भगदत्त भी बाणों से मारने लग जाते भीम को और उनका हाथी सूंड से भी मार रहा है, तो जब उधर पूरा हाहाकार मच रहा था पांडव सेना का, अर्जुन को लगता है कुछ तो गड़बड़ हो रहा है और अर्जुन कहता है कि हे केशव, लगता है कि भगदत्त ने अटैक कर दिया है युधिष्ठिर महाराज पे, हमें चलना पड़ेगा उधर। केशव कहते हैं कि जहां तुम बोलो। अर्जुन सोच रहा होता है निकल के जाने के, तभी सुशर्मा कहता, अरे अर्जुन कहां युद्ध छोड़ के भाग रहे हो कायर की तरह। अर्जुन कहता, भगवान मैं क्या करूं, मैं चाहता हूं इन सबको मारना, और अर्जुन कैपेबल थे उन सबको मारने के, लेकिन समय लगेगा और कहीं ऐसा ना हो जाए कि देरी हो जाए उधर। भगवान कहते हैं इन लोग को ऐसे मारो कि कम से कम आहत करके निकल जाओ। तो अर्जुन क्या करते, दिव्यास्त्र निकालते हैं, एक ऐसा दिव्यास्त्र मंत्र बोलते हैं, और वो मंत्र के उच्चारण से उन्होंने क्या किया, उन्होंने मारना स्टार्ट किया, और मारते मारते उन्होंने क्या किया, अगर हम देखें ऐसा मारा उन्होंने, एक बाण मारा, उस एक बाण से लाखों बाण निकले, और वो लाखों बाण, लाखों जो सैनिक थे उसके सुशर्मा के, उनको वध किया। फिर उन्होंने सुधन्वा का भी वध कर डाला, उसके पांचों भाइयों को हरा दिया, मार डाला। लेकिन ये जो संसप्तक सेना थी ये बहुत विशाल थी, तो एक प्रकार से उन्होंने आघात करके वो भगवान केशव को कहते हैं कि अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए जिससे कि हम युधिष्ठिर की रक्षा कर सकें। और यहाँ पे भगवान कहते हैं, सोचो अर्जुन की वीरता की तारीफ करते हैं, ये द्रोण पर्व चल रहा है, भीष्म पर्व खत्म हो चुका है, मैं आपको बताना भूल गया, ये द्रोण पर्व है, ये जो हमने कथा सुनी आज के आरवा दिन से, ये द्रोण पर्व का, और जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये श्लोक संख्या है 27.29। इसमें क्या बोल रहे हैं भगवान, हे पार्थ, आज जो तुमने अपना पराक्रम दिखाया है ऐसा ना तो मैंने ये कभी दुष्कर इंद्र को, यम को और कुबेर तक को नहीं करते हुए देखा, और अब मैं तुम्हारे रथ को वहां लेके चलता हूँ जहां पे भगदत्त पूरा एकदम भगदड़ मचाया हुआ है। और ये देख करके अर्जुन अपने रथ को लेकर के वहां पहुंचते हैं, क्योंकि प्रेम है युधिष्ठिर के प्रति, भीम के प्रति, और वहां से निकल करके वो उधर बचाने के लिए जाते हैं, और देखते हैं कि गजराज जो कि भीम को पटक रहा था, और अर्जुन मारना स्टार्ट करते बाणों से, लेकिन उसका जो कवच था वो सही में भेदना बहुत मुश्किल था। अर्जुन एक बार में 15 बाण मारते हैं पर उसके कवच को भेद नहीं पा रहे होते हैं, वो हाथी के कवच को। और इधर जब देखता है भगदत्त कि अर्जुन आ गया, तो वो गजराज को कहता है कि अब अर्जुन पे अटैक करो,
और गजराज अर्जुन के ऊपर एकदम आने लग जाता है। सोचिए तो क्या अर्जुन का ये जो रथ है वो भीम के रथ के जैसा चकनाचूर हो जाएगा। अगर हम देखें भीम का जो सारथी था विशोक वो भी महान था, लेकिन अर्जुन के पास जो सारथी है वो भगवान कृष्ण है। भगवान के साथ साथ उनके जैसा अरे जो त्रिलोकीनाथ है जो जगन्नाथ है वो आपके सारथी बने। तो यहाँ पे देखने लायक है भगवान कृष्ण की कला और क्या कम्युनिकेशन है अर्जुन और कृष्ण का। अर्जुन भी ये नहीं बोल रहा है, जैसे समझिए बुलडोजर आपके सामने आ रहा है, कार आपका खड़ा है और बुलडोजर आ रहा है आपके कार को मारने के लिए, तो आप ड्राइवर से कहोगे ना अरे भाई हटाओ, बुलडोजर कार पे चढ़ा देगा तुम तो बच हटाओगे। अर्जुन कुछ नहीं बोलता है, वो बस देख रहा होता है और ये गजराज ऐसे दौड़ते हुए आ रहा होता है क्योंकि अर्जुन को पता है कि कृष्ण है ना सारथी, कम्युनिकेशन है हार्ट टू हार्ट। पता है कई बार बोल करके कम्युनिकेशन होता है, कई बार इशारों में हो जाता है। जैसे कि दुकानदार में आप देखोगे तो जैसे कली का ये है, तो मैंने देखा हम गए थे धोती कुर्ता बच्चों के लिए लेने के लिए, तो दुकानदार के पास गए और पूछा कि धोती कुर्ता है क्या दुकानदार से, तो उन्होंने कहा कि धोती कुर्ते के कपड़े हैं। उन्होंने कहा हाँ हाँ अभी है ना, तो बोले अपने वो जो उनके यहाँ जो रहते हैं जो वर्कर उसको बोले, उसको नाम था मैं भूल रहा हूँ, उसको कहते हैं कि जाइए जाओ जरा वो गोदाम से लेकर के आओ। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे इशारा उसका क्या था कि गोदाम से लेकर आने का मतलब कि दूसरे दुकान से लेकर के आओ, दूसरे दुकान से खरीद करके लेके आओ और फिर बेचो। तो ये दुकानदार जब जो दुकानदार था और जो उसका वर्कर भी था वो भी समझ गया, मतलब इतना कम्युनिकेशन है। तो यहाँ पे तो अर्जुन और कृष्ण का कम्युनिकेशन हो रहा है। तो अर्जुन जान जाते हैं और भगवान जैसे ही वो गजराज कूदता है भगवान श्री कृष्ण बस हल्का सा रथ को ऐसे करके निकाल देते हैं जैसे कि बस आया ही बुलडोजर आपके ऊपर अटैक करने के लिए दूसरी गाड़ी, आप हल्का सा बस साइड ट्रैक कर देते हो। ये देख करके गजराज पीछे हो जाता है। अब यहाँ पे आप पढ़ना जा करके महाभारत, ये जो चैप्टर है ये आपका है 29 आई थिंक, हाँ ये 29वां चैप्टर है और 29वें चैप्टर में आप पढ़ो। अर्जुन चाहता तो पीछे से बाण मार सकता था क्योंकि गजराज पीछे हो गया ना, भगदत्त पीछे हो गया और रथ आगे निकल गई, तो वो चाह करके पीछे से पलट के मार सकता था। अर्जुन नहीं मारता है, क्यों? क्योंकि ये युद्ध के जो लॉ है उसके विरुद्ध है कि योद्धा को सामने से युद्ध करना चाहिए, पीछे से योद्धा मारते नहीं है। और अर्जुन क्षत्रिय है, कभी पीठ पे बाण नहीं चलाएगा, चलाएगा तो सीने पे। इसलिए ये देख करके जब अर्जुन ने बाण नहीं चलाया तो फिर वो गजराज पीछे मुड़ करके फिर से अटैक करने आता है, लेकिन इस बार अर्जुन ऐसे बाण मारता है कि वो गजराज का कवच टूट जाता है। क्योंकि अर्जुन के पास सिर्फ वो नहीं है, स्किल नहीं है, फोर्स भी है। क्या है? फोर्स भी है। तो इसलिए वो अर्जुन अटैक करता है और फास्ट भी है, फास्ट एंड फ्यूरियस की तरह फोर्स एंड फास्ट दोनों है अर्जुन। जब वो अटैक करता है तो उसके कवच टूटने लगते हैं और भगदत्त को भी लगता है कि अब जो मेरा जो गजराज था जो कि अभी तक किसी ने भेद नहीं पाया, भीम ने भी नहीं, तो वो भी अब अपने निकालता है और दिव्यास्त्र का उपयोग करने लगता है भगदत्त। अर्जुन भी उसके दिव्यास्त्र को काटते हैं, अर्जुन भी दिव्यास्त्र काट के उनके पूरे सारे अस्त्रों को तहस नहस करने लगते हैं। इधर उसने एक ऐसा बाण चला दिया, इसमें भगदत्त ने
जो कि अर्जुन को भी नहीं पता था उस बाण के बारे में, और वो बाण था वैष्णवास्त्र। वैष्णवास्त्र अभी अगर आप देखो महाभारत के वर्णन में आता है, जो फाइटिंग होता है आर्चरी फाइटिंग, जो धनुर्धर होते हैं वो तीन प्रकार से युद्ध करते हैं। आपने तीर मारा, वो उस तीर को काटते हैं, या वो कई बार वो ऐसे तीर मारते हैं जो आपको डायरेक्ट मारने के लिए होता है, काटने के लिए नहीं, आपको या आपके सारथी को मारने के लिए, या आपके रथ को तोड़ने के लिए होता है। और कई बार जो योद्धा होते हैं वो सोचते हैं कि अरे ये तीर को तो मैं झेल सकता हूँ, मेरे कवच झेल देंगे, तो इसलिए उन तीरों पे ध्यान ही नहीं देते हैं, और कि क्यों तीर बर्बाद करने का या बाणों को क्यों ऐसे भेजने का, तो वो इसलिए वो कवच में ही ले लेते हैं। ये देख करके अर्जुन को इस अस्त्र के बारे में नहीं पता था, संभावधर उसको लगता है। और ये जो अंतिम बाण होता है भगदत्त का, वो क्योंकि पागल हो गया था, कहा कि अरे मेरा गजराज मारा जा रहा है, और गजराज कहीं मर ना जाए और मैं ना मर जाऊं, इसलिए उसने जो ये अस्त्र था उसने वो चला दिया। और जैसे ही ये अस्त्र चलाते हैं, आप पढ़ना 29.18 में, भगवान जो कि बैठे हुए थे अभी तक वो खड़े हो जाते हैं, और वो अस्त्र जा करके भगवान के छाती में लगता है। भगवान के छाती में लगने के कारण, कृष्ण के छाती में, वो आश्चर्यमयी हो करके वो बाण भगवान को माला पहना देते हैं, कौस्तुभ मणि, जैसे वैजयंती माला होती है भगवान को, हम लोग राधा रमण को माला देते हैं, वैसे भगवान को वो माला धारण हो जाता है। अर्जुन को भगवान को कहता है, भगवान आप क्यों बीच में आ गए, अरे आप तो मेरा प्रतिज्ञा लिए हैं कि आप मेरे वो सारथी बने रहेंगे, अरे मैं जब सक्षम था, मेरे पास धनुष था, मेरे पास तीर था, मैं तो बस उसको ऐसे ही रोकना चाह रहा था, आप क्यों खड़े हो गए, क्यों आप मेरे, अरे मैं गिर गया होता तो बात अलग थी, आप युद्ध करते या बचाते, मैं तो पूरी तरीके से सक्षम था, फिर आप क्यों आए। भगवान कहते हैं, सुनो अर्जुन मैं बताता हूं, और ये है भगवान की भगवत सत्ता अर्जुन के प्रति, देह भगवान का। इसीलिए भगवान ने क्या कहा, कौन ते प्रति जाने नामे भक्ता प्रणश्यति, कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा। और भगवान बताते हैं कि सुनो अर्जुन मैं तुमको बताता हूँ इस अस्त्र के बारे में, ये अस्त्र था वैष्णव अस्त्र। इसकी इस कहानी इस प्रकार है, नरकासुर जो कि मेरा ही पुत्र था, जो कि भूमि देवी से जन्म लिया था, जब भगवान वराहदेव बन करके आए थे और जो हिरण्याक्ष को मारा था और फिर धरती को ऊपर उठाया था, तो धरती और भगवान के स्पर्श से, मिलन से भूदेवी के उनको एक पुत्र उत्पन्न हुआ था नरकासुर। ये नरकासुर वही नरकासुर है जिसने भगवान ने इसकी हत्या मतलब मार डाल करके 16,100 रानियों को छुड़ाया था। तो ये नरकासुर जो भूदेवी का पुत्र था, तो भूदेवी मेरे से कहती कि भगवान मैं चाहती हूँ कि मेरा पुत्र अजय रहे, उसको कोई ना हरा सके, तो कृपया करके आप कोई ऐसा अस्त्र दीजिए है जिससे उसे कोई मार ना सके। भगवान कहते हैं मैं उसको वैष्णव अस्त्र देता हूँ, वो ऐसा अस्त्र है कि उसका भेद कोई जानता नहीं है, उसको भेदने वाला कोई नहीं है। अगर वो किसी के ऊपर चलाया, चाहे कैसे हो कवच हो, वो उसको भेद करके उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। ये जब भगवान वैष्णव अस्त्र नरकासुर को दे देते हैं, तो वो नरकासुर इसी भगदत्त को अस्त्र दे देता दिया था मरने से पहले। और ये भगदत्त जो कि अभी तक उस अस्त्र को यूज नहीं किया था, इसलिए इसने यहाँ पे तुम्हारे प्रति चला दिया था।
और अगर मैं नहीं आता बीच में, नहीं लेता इन अस्त्रों को, इस अस्त्र को, तो ये तुम्हारे जो तुम ऐसे खड़े थे ना, सोचे कि ये कवच को बस कुछ नहीं करेगा, ये तुम्हें फेंद करके निकल जाता। इसलिए भगवान का हम देखते हैं, क्योंकि भगवान भक्तों की रक्षा करते। जैसे यहाँ पे एक प्रिंसिपल सीखते हैं कि भगवान जैसे हमारा अर्जुन के रथ की रक्षा किए हैं, हमारा शरीर भी एक रथ है। जैसे भगवान अर्जुन के रथ पे बैठे हैं, वैसे हमारे इस शरीर के अंदर परमात्मा के रूप में है, और हमारी भी हमेशा हर एक प्रकार से रक्षा करते हैं। कई बार उनके रक्षा करने का जो तरीका है वो शायद इनकंसीवेबल है, जो कि हमारी समझ में नहीं आता है। और कई बार लोग प्रश्न भी करेंगे, जो कि हम देखेंगे भी अभी, जो अब जो 13वां दिन का मैं युद्ध बताऊंगा। तो भगवान हमें कई बार, हम लोग सोचते कि जैसे कई लोग कहते हैं हाँ भगवान हमारी रक्षा करना चाहिए, हमारे को सब सुख दुख से हटाना चाहिए, हमारे शरीर की रक्षा करना चाहिए, हमारे धन की रक्षा करना चाहिए, इसलिए हम भगवान को मानेंगे। तो हमारा जो अगर प्रेम फिर बहुत आर्टिफिशियल हो जाएगा। भगवान हमारी रक्षा करते हैं कई बार मटेरियली भी, और कई बार हमारे चेतना को बचा करके भी। तो यहाँ पे अर्जुन को बचा करके जब भगवान ने ये पूरा बताया, तब अर्जुन निकालता है अपने अस्त्रों से और वो मारना स्टार्ट करता है, और वो जो गजरा जो अभी तक गिरा नहीं था अर्जुन के बाणों को ना सह पाने के कारण गिरने लगता है। और भगदत्त देखता है कि कहीं मैं इस गजराज के नीचे मैं खुद ही दब के ना मर जाऊं, वो उछल करके वहां से कूद जाता है, और फिर वो नीचे उठ करके बाणों पे मारना स्टार्ट करता है। अर्जुन इस बार ऐसा एक बाण मारता है जो सीधे उसके छाती पे घुसता है और भगदत्त को मार डालते हैं। और जैसे भगदत्त मर जाता है, उधर भगदत्त के मरने के बाद शकुनी अपनी माया और कपट से अटैक करता अर्जुन पे, लेकिन वो अर्जुन था, उसका अटैक उस पर कुछ काम नहीं करता, और अर्जुन उसको मारने वाला होता है। शकुनी भाग जाता है, कहता है बाबा कौन लड़ेगा, और वहाँ से भाग जाता है। फिर अर्जुन वहाँ पे कर्ण आ जाता है, और अर्जुन और कर्ण का पहली बार यहाँ पे युद्ध होता है, और दोनों एक दूसरे को मारना स्टार्ट करते हैं, और अर्जुन कर्ण के कई भाइयों का वध कर देता है। और इस प्रकार कर्ण और अर्जुन का जब युद्ध हो रहा होता है, लेकिन कुछ निर्णय नहीं निकलता है, और सूर्यास्त होने लगता है, और युद्ध की समाप्ति हो जाती है। ये है 12 दिन का महाभारत। अब जो है ये है 13वां दिन का महाभारत, जिसमें हम देखेंगे कुछ तो बहुत क्रूरता है, और इसलिए यहां से हम एक एक प्रसंग को लेने का स्टार्ट करेंगे, एक एक श्लोक को, क्योंकि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, बहुत ज्यादा गलत दिखाया गया है या गलत पेश किया गया है, और कई बार हमको पूरी जानकारी ना होने के कारण हमको लगता है कि जो दिखाया हमको जाता है वो सही। 2 दिन के बाद ही जब द्रोणाचार्य नहीं पकड़ पा रहे थे युधिष्ठिर को, दुर्योधन पागल हो जाता है, और वो पागल होते हुए दुर्योधन द्रोणाचार्य पे आरोप लगाना स्टार्ट करता है, और कहता है कि आप भी भीष्म के प्रति जैसे पांडवों का वध नहीं करना चाहते, पांडवों के प्रति प्रेम रखे। जब आप कल पकड़ सकते थे युधिष्ठिर को, आपने पकड़ा क्यों नहीं? और मुझे तो आपके वचन पे भी थोड़ा सा डाउट होने लगी। अगर आपको याद होगा, जब द्रोणा से उसने वचन दिलाया था ना, तब उसने भारी सभा में बोला था लोगों के सामने, क्योंकि उसको डाउट था, उसको फेथ नहीं था द्रोणा पे, इसलिए उसने सबके सामने कहा था कि द्रोणाचार्य कसम लिए हैं कि वो युधिष्ठिर को जिंदा पकड़ेंगे, इसलिए सभी लोग बजाओ ताली, ऐसे करके वो घोषणा किया था।
क्योंकि उसको पता था कि आपस में अगर बोले तो कल ये, क्योंकि वो जैसे वो कपटी था तो वो दुनिया को कपटी समझता था, उसको लगा कहीं द्रोणाचार्य अपने वचन से बदल जाए, तो इसीलिए वो यहाँ पे उनको बोलता है कि आप लग रहा अपने वचन से बदल रहे हैं, पर याद रखिए कि सभी ने आपका वचन सुना था। द्रोणाचार्य कहते हैं सुनो दुर्योधन, तुम इतना नीचे गिर जाओगे कि एक ब्राह्मण एक अपने ग्रुप के कैरेक्टर पे तुम शक कर रहे हो। अरे मैंने क्या नहीं किया, मैं घायल हो गया हूँ, मैं युद्ध कर रहा था, अर्जुन बार बार उसको बचा करके निकल के लेकर चला गया, तुम मैं क्या करूँ, मैं क्या कर सकता था, पर तुमने मेरे ऊपर आरोप लगाए, इसलिए मैं कल वो चीज करने जा रहा हूँ जो देवताओं को भी नहीं पता, सिर्फ इस जो युद्ध में दो ही लोग को पता है, वो है अर्जुन और कृष्ण। कृष्ण क्योंकि भगवान है, उनसे कोई चीज छूट नहीं सकता, और अर्जुन, मैंने अर्जुन को भी ये ज्ञान नहीं दिया था, लेकिन अर्जुन देखो यहाँ पे अर्जुन की तारीफ करते हैं कि अर्जुन जो था वो भूखा था किस चीज का, सीखने का, वो एक ही जगह से सीख करके नहीं रेडी। हाँ, इसीलिए जीवन में अगर बनना है तो हमें अर्जुन जैसा होना चाहिए कि जो भगवान के लिए, भगवान की सेवा के लिए हमेशा भूखा रहता है, सेवा के लिए कि हाँ मैं भगवान की सेवा। ये अर्जुन जो है ये दिव्यास्त्र की शिक्षा के लिए चला गया देवताओं के पास, ये ऋषि मुनियों के पास चला गया उनसे सीखने के लिए, अलग अलग जगह से इसने सीखा, और ये चीज जो कि देवताओं को भी दुर्लभ है, इसलिए ये अर्जुन ने, ये अर्जुन को ये पता है, क्योंकि युद्ध का ऐसा कोई कला नहीं है जो अर्जुन को नहीं पता। इसलिए इन दोनों को हटा दो, मैं तुमको वचन देता हूँ, या तो कल को एक योद्धा मारा जाएगा और नहीं तो युधिष्ठिर पकड़ा जाएगा। और वो क्या था, दुर्योधन पूछता है कि वो क्या चीज है, तो वो कहते हैं चक्रव्यूह। ये चक्रव्यूह का ज्ञान देवताओं तक को नहीं है। महाभारत के अनुसार सिर्फ अर्जुन को, कृष्णा को, प्रद्युम्न को और एक और योद्धा को ज्ञान था, लेकिन अधूरा ज्ञान था, और वो था अभिमन्यु को। अभी ये महाभारत में तो नहीं है, लेकिन कई आचार्यों ने अपनी टीकाओं में तरल बताया है कि ये अभिमन्यु को ज्ञान कैसे होता है। महाभारत में बस इतना बताया गया कि अभिमन्यु को ज्ञान था इस चक्रव्यूह में जाने का, बाहर निकलने का नहीं। चक्रव्यूह कैसा था, चक्रव्यूह का मतलब है कि आप ऐसे कुछ समझ लो, कुछ इस तरीके से ये चक्र था, ऐसे सेनाओं का सर्कुलर टाइप का, जिसके अंदर डी गहरे में आपको जाना, ये सेना ऐसे बढ़ती थी, और ये जब सेना बढ़ती है कोई अगर इसको खेदता था तो फिर वो सेना उसको कवर कर लेते थे, तो इसको इसमें घुसना जितना कठिन था, क्योंकि इसका पता ही नहीं था, ये तो आपको दिख रहा है, मैं एक्चुअल में बनाया नहीं है, ये आपको दिखेगा ही नहीं कि कहां से घुसना है, और अगर आपने ढूंढ लिया इसमें घुसने के लिए भी तो आपको ये नहीं पता कि फिर निकलना कैसे है, आप निकल नहीं सकते। तो ये चक्रव्यूह का ज्ञान देवताओं तक को नहीं था, और यहां पर द्रोणाचार्य कहते हैं मैं चक्रव्यूह की रचना करने वाला हूं कल, और इधर दुर्योधन कहता है सुशर्मा को कल या तो तुम मर जाओ या कुछ भी करो अर्जुन को हटा दो वहां से, और संसप्तक सेना कहती है कि हम कल अर्जुन को पूरा दूर लेकर के चले जाएंगे। तो 13वां दिन में स्टार्टिंग हुआ, द्रोणाचार्य ने अभी चक्रव्यूह की रचना कर दी। ये चक्रव्यूह की रचना करने के बाद वो आगे बढ़ने लगते हैं सेना,
युधिष्ठिर को अब समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या, क्योंकि इस व्यू को तोड़ने वाला सिर्फ दो ही जो थे वो दोनों आज है नहीं, क्योंकि संसप्तक सेना जो थी वो हो क्या कि अर्जुन को दूर वहां से युद्ध से हटा ली, और फिर तब द्रोणाचार्य ने ये चक्रव्यूह की रचना की। और युधिष्ठिर को अब समझ में नहीं आता है कि करे क्या। उसने कई बार सुन रखा था अपने महाभारत के अनुसार जो लिखा है कि ये जो है अभिमन्यु चक्रव्यूह को तोड़ा है, तो वो अभी अभी तोड़ा है लेकिन निकलना नहीं आता है अभिमन्यु को, ऐसा कई लोग कहते हैं। महाभारत में मैंने अभी तक देखा नहीं है, पाया नहीं है, ऐसा दूसरे आचार्यों या नरेशन में हम पाते हैं कि जब सुभद्रा जो कि अर्जुन की पत्नी है, एक बार अर्जुन उसको इसी चक्रव्यूह के बारे में बता रहे होते हैं, तो वो सुनते सुनते, जैसे हम भी कई बार क्लास में सुनते सुनते सो जाते हैं, सुभद्रा भी सो गई, और सुभद्रा के गर्भ में जो अभिमन्यु था वो सुन लिया था उस चक्रव्यूह को भेद करना। अभी आप कहोगे प्रभु जी ये कैसे पॉसिबल है कि गर्भ में बच्चा सीख ले। आप देखो आज भी साइंस में आप देखोगे रिसर्च लोग कर रहे हैं कि लोग बोलते हैं प्रेग्नेंट वोमेन जो होती है उसको हॉरर मूवी नहीं देखना चाहिए, ऐसे क्यों? क्योंकि वो इम्प्रेशन पड़ता है बच्चे के ऊपर, तो बच्चा बहुत फियरफुल निकलता है। तो ये स्वाभाविक है, ये ऐसा चीज है, रिसर्च भी होता है, तो इम्प्रेशन पड़ता है बच्चे के ऊपर। तो खैर जो भी कारण हो अभिमन्यु, और कभी अभिमन्यु ने पूछने का प्रयास भी नहीं किया, और अर्जुन ने भी नहीं बताया, क्योंकि वो अभी हर चीज जरूरी नहीं है, उसको लगा कब चक्रव्यूह की रचना होगी या क्या कभी जरूरत पड़ेगा ही नहीं, इस तरीके से उसको ध्यान रहा ही नहीं, तो वो आउट ऑफ माइंड हो गया, आउट ऑफ। तो यहाँ पे दुर्योधन युधिष्ठिर जाता है अभिमन्यु के पास और कहते हैं कि तुमको करना होगा आज कार्य बेटा, ये चक्रव्यूह जो कि द्रोणाचार्य ने बनाया है इसको भेदना सिर्फ तुमको आता है। और यहाँ पे एक चीज हम देखते हैं क्लैश ऑफ लव एंड लॉस, लव और लॉस के बीच में क्लैश हो रहा है। लाइफ में जब हम किसी से बहुत प्रेम करते हैं तो उसके खोने का डर भी रहता है, स्वभावता है, कोई भी हो, चाहे पत्नी हो, पति हो, पुत्र हो या पुत्री हो, या माता पिता हो, कोई भी, या कोई ऐसा वस्तु जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं, अगर वो उसको प्रेम करते हैं या उसको इच्छा रखते हैं अपने पास रखने का, तो उसका थोड़ा सा डर भी लगा रहता है कहीं खो ना जाए। इसीलिए कई बार लोग कहते हैं कि अरे सब चीज छोड़ करके, सारे रिश्ते नाते छोड़ करके, सब बस एक भय उत्पन्न करते हैं, मोह उत्पन्न करते हैं, तोड़ करके बैठ जाना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। पर आप देखो हमारे धर्मशास्त्र इस चीज का अलाउ नहीं करते। गीता में भी भगवान ने क्या बोला है, कर्म योग करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप देखोगे, देखने से कुछ तो देखोगे, चाहे कोई एक सन्यासी भी हो वो देखेगा, तो आपको जब देखना ही है, हाँ देखने के बाद जो उसका रिएक्शन आएगा, आप कैसे उस पर रिएक्ट करते हो ये उसके देखने का रिएक्शन है, पर आप देखोगे। उसी प्रकार से आप खाओगे, खाने के बाद पचेगा नहीं पचेगा वो अलग रिएक्शन है, पर आप खाओगे ही कुछ ना कुछ, तो इसलिए कुछ तो कार्य करोगे। इसलिए ये कहना कि कोई संबंध ही नहीं रखना चाहिए, ये शायद गलत होगा बोलना। पर लाइफ में ऐसे सिचुएशन आते हैं जहां पे हमको ड्यूटी, लव ऑफ ड्यूटी, हमारा कुछ ड्यूटी होता है, और कई बार हमको लव होता है किससे, लव ऑफ जो ड्यूटीफुल सन या कोई भी। युधिष्ठिर के जीवन में भी यही आ गया था, एक तरफ उसको धर्म अगर वो पकड़ा जाता है, युद्ध हो जाता, बंदी बना लेते, हो सकता था क्योंकि पूरा
मनोबल टूट जाता सेना का, और क्या करते कौन जाने। एक तरफ धर्म की रक्षा थी और दूसरी तरफ उसको रिस्क लेना था, क्योंकि अभिमन्यु कहता है मेरे को सिर्फ भेदना आता है, इससे बाहर निकलना नहीं आता। लाइफ में ऐसे सिचुएशन आते हैं जहां पर व्यक्ति को इन दोनों में से एक चुनना पड़ता है, और कोई ये कहे कि हम तो नहीं चुनेंगे, हम भाग जाएंगे, एस्केप करके भागने का अगर प्रयास करता है तो ये एक तरीके से गलत होगा। इसीलिए जो हमारा जीवन है वो युद्ध है, इंटरनल एक्सटर्नल क्लैशेस होते रहते हैं और कोई उसको छोड़ करके भाग नहीं सकता। तो यहां पे हम देखते हैं युधिष्ठिर ने क्या निर्णय लिया धर्म के लिए। उन्होंने कहा अभिमन्यु तुम जाओ, हम तुम्हारा साथ चलेंगे अंदर, भीम चलेंगे, सात्विकी चलेंगे, धृष्टद्युम्न चलेंगे। भीम कहता है कि हाँ बेटा तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा। जब दोनों अंकल ने ऐसा बोला, चाचा ने, तो अभिमन्यु कहता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, और हम चलेंगे अंदर, और हम भी अब चलेंगे अंदर शास्त्रों के अंदर कि क्या बोला जा रहा है। अब ध्यान से सुनना ये जो है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा, मैं फिर से बोला, ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। यहाँ पे एक एक प्रश्नों का उत्तर हम देंगे। महाभारत के व्यास देव ने जो लिखा है वो हम बोलेंगे, यहां तक कि कौन से आचार्यों ने क्या बोला है वो भी मैं नहीं लूंगा, सिर्फ व्यास देव की वाणी लूंगा। इसलिए आप मानिए, ठीक है, और नहीं मान सकते हैं अगर आपको कुछ और दिखाना है तो आप महाभारत का वर्ड मत यूज करिए, उसके कैरेक्टर को मत यूज करिए। मेरा आपसे बस विनम्र निवेदन है, गलत मत प्रचार करिए, गलत मत बताइए, क्योंकि तकलीफ होता है जब कोई किसी योद्धा को या किसी पढ़े हुए व्यक्ति को, या जैसे बच्चा, अगर कितना दुख होगा उसको बोलोगे कि तुम चीटिंग करके पास हो गए, रात भर मेहनत करके पढ़ाओ और चीटिंग करके आप, तो आपके जो इस वार्ड के से आप सिर्फ उस बच्चे पे आघात नहीं कर रहे हो, आप एक समाज में उस व्यक्ति को बढ़ने से रोक रहे हो। तो उसी तरीके से ऐसे तथाकथित टीवी सीरियल में जो दिखाते हैं, कभी किसी गुरु शिष्य परंपरा में सुने नहीं होते हैं, कोई अपने मन से जो उनको बस टीआरपी, किसी टीआरपी से पढ़ाने के लिए किसी तरीके से हमारा टीआरपी बढ़े, वो उस चीज को दिखाते हैं। अब यहां से हम जो बताने जाएंगे आप सुनना, अभिमन्यु अंदर जाता है और पराक्रम करने लगता है, द्रोणाचार्य सबसे आगे खड़े होते हैं। समहाउ अदर अभिमन्यु इतना पराक्रमी था, आप देखो एक एक चीज, इतना पराक्रमी था कि वो द्रोणाचार्य को भी पीछे ठकेलते हुए अंदर घुस ही जाता है, किसमें, वो चक्रव्यूह में, और वो पूरी कौरव सेना के ऊपर त्राही त्राही करने लगता है, और बाकी सेना भी घुस रही होती है। समाधर दरवाजा बंद हो जाता है, और दरवाजा बंद करने वाला आज होता है चैत्रथ। वो देखता है कि अरे ये चक्रव्यूह को तो तोड़ने लग गए हैं, तो चैत्रथ आ जाता है। चैत्रथ ये चीज संजय बता रहे हैं, किसको, धृतराष्ट्र को, धृतराष्ट्र करा है। जयद्रथ क्या रूप है, जयद्रथ कौन है, उसका दामाद है, धृतराष्ट्र बोल रहा है जयद्रथ क्या टक्कर ले पाएगा भीम को, भीम से, वो तो किसी के बराबर नहीं हो, कह स्वयं कहते सहदेव तक के बराबर नहीं है जयद्रथ, और सही में नहीं था ताकत या बल के रूप में, पर आज कुछ विशेष था जयद्रथ के पास। याद होगा आपको वन पर्व में जब उसने द्रौपदी को अपहरण करके करना चाहा, और फिर भीम और अर्जुन के द्वारा उसको पांच चोटी करके उसका छोड़ दिया था, तो वहां पे जयद्रथ गया था, शिव जी से प्रतिज्ञा वरदान लिया था, शिव जी ने कहा था कि तुम सिर्फ अर्जुन को छोड़ करके चारों भाइयों को एक दिन के लिए
युद्ध में रोक सकते हो, हरा सकते हो। आज वही दिन था जयद्रथ के ऊपर का। वो जयद्रथ जो कि कानी उंगली के बराबर नहीं था युद्ध में भीम के, पर क्योंकि शिव जी का आज वरदान था, वो किसी को अंदर जाने से रोक दिया, कोई अंदर नहीं जा पाया। जयद्रथ मारना स्टार्ट किया। आज भीम भी देखा कि अरे जयद्रथ हरा दिया पूरा, भीम को रोक देता, सबको रोक देता है जयद्रथ अकेले। और ये जयद्रथ जब रोक देता है, अभिमन्यु जब पीछे देखता तो कोई है ही नहीं, जैसे हम लोग कहे बोलते ना तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, और जब सब जब वो आगे बढ़ता पीछे दिखता कोई साथी नहीं है, तो वैसा हाल हो गया। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कि पांडव नहीं आना चाहते थे, पर रोक दिया। और अभिमन्यु सोचिए अकेला घुस गया चक्रव्यूह में, ऐसे चक्रव्यूह में सिर्फ अकेला घुस गया है अभिमन्यु योद्धा। पर उसके पराक्रम को हम देखेंगे, क्योंकि व्यास देव ने व्याख्या किया है, भले ही समय लगेगा पर एक एक पराक्रम को देखेंगे अभिमन्यु की। अभिमन्यु की युवा अवस्था थी। पहला क्वेश्चन, लोग कहते हैं अभिमन्यु युवा नहीं था, आप जाकर के पढ़ो 32.22। एक एक वर्ष को मैं यहाँ पे लिखूंगा, और आप कृपया करके शेयर भी कर दीजिएगा अगर जिनको भी ये जानना है, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लोग अपने मन से बोलते हैं, कंट्रोवर्शियल करते हैं, बहुत क्वेश्चन भी करते हैं। तो 32.22 में स्वयं कौन बोल रहा है, धृतराष्ट्र की। अरे वो युवा अवस्था है, क्योंकि धृतराष्ट्र पूछ रहा है कि अभिमन्यु की मृत्यु कैसे हुई संजय से, संजय पहले ही देख करके ये सब बता रहा था। तो 32.22 में खुद बोलते हैं धृतराष्ट्र की, वो तो युवा अवस्था को भी नहीं प्राप्त किया था, युवा अवस्था को भी प्राप्त नहीं किया था। अब कुछ लोग कहते 16 साल के उम्र थी, जो भी था उम्र मैंने अभी तक नहीं देखा, पर युवा अवस्था को भी प्राप्त नहीं किया था। अब आप जान लीजिए कितना युवा अवस्था होता है। कुछ लोग क्योंकि कहते हैं कि वो बच्चा नहीं था, वो युवा अवस्था मतलब कि अगर आप कहते हो कि 16 साल के बड़े को युवा कहते हैं, तो आप समझ लो 16 साल का था, ये अभिमन्यु का आयु का हो गया। आगे बढ़ते हैं, भेदना पता है निकलना नहीं, ये 35 चैप्टर में बोलता है अभिमन्यु, ठीक है, ये भी लिख लीजिए। तो स्वयं बोल रहा है अभिमन्यु का पराक्रम अब देखेंगे। वो क्या करता है, सबसे पहले वो दुर्योधन से युद्ध खोजता है, कोई नहीं अकेला। दुर्योधन को लगता है ये तो मार डालूंगा इसको आज, तो ये तो बच्चा है इसको तो हरा दूंगा। पर दुर्योधन को अब पढ़ना, वो क्या पराक्रम दिखाता है, दुर्योधन को हटा करके गिरा देता है। दुर्योधन को बचाने के लिए सबसे पहले किसको मारा, दुर्योधन को, मतलब कि हरा दिया, पीछे कर दिया उसके रथ को। दूसरे नंबर पे आए शल्य, उसके मामा। शल्य से युद्ध होता है, शल्य के साथ युद्ध होते होते अभिमन्यु ने उनको क्या कर दिया, मूर्छित कर दिया, मूर्छित सा कर दिया। शल्य को मूर्छा पे देख करके शल्य के भाई आ गए। शल्य के भाई मद्रराज, जो कि उसके भी मामा है अभिमन्यु के, मतलब कि चाचा के मामा, तो वो शल्य के ब्रदर्स को अभिमन्यु ने मार डाला, वध कर दिया, पहला वध। इसके बाद जब ऐसा होने लग गया, स्वयं द्रोणाचार्य आ गए। अभी कहां से आए ये पता नहीं, क्योंकि वही मैं कहा ना चक्रव्यूह कैसे चल रहा है, वो आगे थे पीछे कैसे घूम, क्योंकि वो घूमता जा रहा था वो चक्रव्यूह ऐसा। तो तीसरे नंबर पे कौन आते हैं, द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य जो कि उनका मकसद था पकड़ना किसको, युधिष्ठिर को, लेकिन जब देखे अभिमन्यु इतना मतलब डिवास्टेटिंग करने लग गया, उन्होंने चक्रव्यूह रचा था युधिष्ठिर को मारने के लिए, लेकिन अरे पकड़ने के लिए, लेकिन आप वो देख रहे कि वो चक्रव्यूह उनका टूटे जा रहा है, टूटे जा रहा है, तोड़े जा रहा है। तो द्रोणाचार्य स्वयं आ जाते हैं युद्ध करने के लिए, द्रोणाचार्य को भी पीछे कर देता है। और द्रोणाचार्य को पीछे जब होने लग गए, तो द्रोणाचार्य को हारते हुए देखने के लिए देखा ना जा सका,
अश्वत्थामा आ जाता है उनका बेटा, वो अश्वत्थामा जिसने कहा मैं 10 दिन में सेना को परास्त कर दूंगा पूरे पांडव को, वो युद्ध करने लगता है और अश्वत्थामा को भी कौन हरा देता है। आप पढ़ना, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं, ये सारा चैप्टर है। अश्वत्थामा को हराने के बाद जो दुर्योधन होता है वो कहता है कि ये बाप बेटे तो कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उन लोग को प्रेम है पांडव से। दुशासन तू जा और तू जा करके युद्ध कर। दुशासन ये, क्योंकि वो हीरोइज्म उसके अंदर स्किल नहीं था, पर जोश ज्यादा था कि मैं युद्ध करूंगा। और अर्जुन उसको ऐसे मतलब कि कुछ देखता ही नहीं, एक ही बार में मार के हटा देता है दुशासन को, तो दुशासन पूरा निकल जाता है। उसके बाद अस्मक करके, तो यहाँ पे दुशासन गया, दुशासन को मतलब दुशासन का ज्यादा वर्णन ही नहीं है, 2-3 श्लोक में उसको हटा दिया गया। छठा अस्मक, इसका वध हो गया। इसके वध के बाद कर्ण आ जाता है और कर्ण को भी आप देखोगे हैं, कर्ण और दुशासन दोनों को हराता है कौन, अभिमन्यु। और इसके बाद कर्ण के भाई, उसका नाम भी है मेरे को याद नहीं आ रहा, कर्ण का भाई का वध हो जाता है। उसके भाइयों कितने भाई थे मेरे को भी आश्चर्य, बहुत भाई थे, सबका एक एक करके अर्जुन ने मारा, अब यहाँ पे अभिमन्यु ने मार दिया। कर्ण के भाई का वध हो जाना, ये हुआ। इतने लोगों को कौन मार रहा है, सिर्फ अकेला एक योद्धा और बाकी तो है ये सैनिक को मार ही रहा है। इसके बाद 9वें नंबर पे किसको मारता है, सत्यश्रवा को मारता है कौन, अभिमन्यु। उसके बाद मारता है रुक्मरथ को, इन सबको वध कर देता है, इन सबका वध किया है अर्जुन ने। और इन सबके वध करने के बाद इनके जितने इनके साथ राजकुमार थे, राजा थे, ऐसे हजार सैकड़ों लिखा है, सैकड़ों मतलब कम से कम 100 लोगों का अभिमन्यु ने अकेले वध कर दिया। पराक्रम देखो अभिमन्यु का, इतना वध करने के बाद लक्ष्मण जो कि अकेला पुत्र होता है किसका, दुर्योधन का, लक्ष्मण, ये लक्ष्मण जब युद्ध कर रहा होता है अभिमन्यु उसको भी मार डालता है। ये देख करके दुर्योधन आग पपुला हो जाता है और वो बोलता है, क्या बोलता है, 6 महारथियों को, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, बृहद्बल, ये 6 महारथियों को कहता है कि आप जाकर के इस अटैक कर दो किस पे, क्योंकि उसका इकलौता बेटा मर गया दुर्योधन का। और ये देख करके कहता है कि आज अभिमन्यु को किसी प्रकार से वध कर डालो। 6 महारथी जब अटैक करते हैं उसमें से जो बृहद्बल था, ध्यान दीजिएगा, जो बृहद्बल था 6 महारथियों में, उसको अर्जुन ये अभिमन्यु ने और प्लस 10,000 राजाओं को अभिमन्यु ने, मैं ये पढ़ा के नहीं बोल रहा हूं, यह चैप्टर का नाम ही है महाभारत में, 10,000 और 1 महारथियों को अकेले अभिमन्यु ने मार गिराया। यानी बच गए कितने, 5 ही महारथी। 6ठा महारथी फिर कौन हुआ, वो दुशासन का पुत्र, दुशासन आ जाता है, दुशासन का पुत्र। तो ये 6 महारथी फिर अटैक करते हैं और किसी को कुछ नहीं समझ में आता है कि क्या करें। अब यहां से हम एक एक थोड़े से वर्ष को देखेंगे। ये चल रहा है द्रोण पर्व का चैप्टर नंबर 48, ध्यान से अब सुनिएगा, जो आधा घंटा हमारा है।
चैप्टर नंबर 48 है द्रोण पर्व का। जब इस तरीके से गिरा हुआ देख करके कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा है, सबसे पहला शकुनी 48.16 वर्ड्स में बोल रहा है। मैं श्लोक भी पढ़ रहा हूं इसलिए क्योंकि आप, मैं जानता हूं आप नहीं समझ पा रहे होंगे, फिर भी लेकिन सुनिए। त सौबल स्त्री भी विद्वा दुर्योधन मा अब्रवीत। अभिमन्यु को घायल करके तीन बाण से शकुनी दुर्योधन से बोलता है, क्या बोलता है? 17th वर्ष में, 16 वर्ष में बताया कि शकुनी बोल रहा है, क्या बोल रहा है 17th वर्ष में? सर्व एनम विमद्धिनम पुरे कैकम हिनस्ति न अथा ब्रवित पुनोदर्णम कर्णो वेक तर्णो रने। यह एक एक के साथ युद्ध करके हमें मारे, इससे पहले हम सब लोग मिलकर इस अभिमन्यु को मार डाले। शकुनी ने क्या बोला? एक साथ युद्ध के जगह अकेले मार डाले। क्वेश्चन पहला, क्या अभिमन्यु से युद्ध करने से पहले क्या एक रथी से महारथी लोग नहीं लड़ रहे थे? लड़ रहे थे, हमने देखा कई बार, जैसे हमने कल भी दिखाया कि भीष्म की रक्षा करने के लिए कई लोग आ जाते हैं, या वो योद्धा परास्त होने लगता है तो उस योद्धा को बचाने के लिए 5-6 योद्धा आ जाते हैं उसकी रक्षा करने के लिए, और फिर ये योद्धा मारता है, करेक्ट इस योद्धा। लेकिन पहला चीज, जब उस योद्धा के लिए जब 5-6 लोग आते हैं तब इस योद्धा के लिए भी 5-6 लोग आ जाते थे, आज अभिमन्यु के लिए तो कोई नहीं आ पाया। ठीक है, अगर हम उसको कहते हैं कि वो स्ट्रेटेजी है कि उन्होंने रोक दिया 5-6 योद्धा को आने से, मान लेते हैं कि ये स्ट्रेटेजी है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। जब ये शकुनी ऐसे बोल रहा था कि 6 मिल करके हम लोग मार डाले हैं, द्रोणाचार्य के पास आते हैं, कौन? कर्ण, इसी वर्ष में आया है। कर्ण द्रोणाचार्य के पास आकर के क्या बोलता है कि आप मेरे को बताइए कि अभिमन्यु को कैसे मारा जा सकता है, कैसे मारा जा सकता है। यहां पे आप देखोगे कर्ण का कायरता, क्या देखोगे? कर्ण की पराक्रम नहीं, कायरता। मैं फिर बोलूंगा कर्ण की कायरता, आप थोड़ा सा सुनने में आपको अटपटा लगेगा पर ये महाभारत है। कायरता इसलिए मैं बोल रहा हूं, जैसे कायर लोग होते हैं लाइफ में कुछ सिचुएशन आता है या तो वो भाग जाते हैं या तो कुछ कपट के माध्यम से यूज करके वो सिचुएशन से निकलने का प्रयास करते हैं। ऐसे जैसे अगर कर्ण को मैं आतंकवादी से कंपेयर करूं तो कोई गलत नहीं होगा। आतंकवादी से इसलिए मैं कंपेयर कर रहा हूं, आतंकवादी क्या करते हैं, उनका कोई मकसद नहीं होता है, बस वो बम विस्फोट करके बच्चों को, स्त्रियों को या किसी बूढ़े किसी को भी मारना उनका बस उद्देश्य रह जाता है। क्रुएलिटी, वो चीज अब हम देखेंगे कर्ण के। द्रोणाचार्य से जब ऐसे कर्ण पूछता है कि क्या करना चाहिए कि किस प्रकार इस अभिमन्यु को हटाया जा सकते हैं, द्रोणाचार्य कहते हैं कि अगर पहले वो तारीफ करते हैं इस अभिमन्यु का और कहते हैं 24th वर्ष में, स्वयं बोल रहे हैं द्रोणाचार्य, यदि क्षत्रिय धर्म का ये धर्म नहीं होता कि खड़े रहो तो मैं कब का भाग जाता, कब का स्थात व्यमिति तिष्ठामी पीड़य मानो अभिन्नुनाम। अगर क्षत्रिय धर्म का ये धर्म नहीं होता कि खड़े रहो डटे रहो भागना नहीं चाहिए, नहीं तो आज जो अभिमन्यु युद्ध कर रहा है मैं उसके पराक्रम का कोई पल नहीं देखता हूं, मैं भाग जाता 24वें वर्ष में। आगे क्या बोलते हैं,
कहते हैं कि 27th verse, ये अभिमन्यु का जो कवच उसने ऐसे डोरी से बांधा है उसकी डोरी नहीं दिख रही है। कवचम युवा चासु पराक्रमा, और उसको भेद पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो आज ऐसा युद्ध कर रहा है जैसे स्वयं इंद्र युद्ध कर रहे थे वृत्रासुर के साथ। वो ऐसा युद्ध कर रहा है कि सामने कोई उसको काट ही नहीं पा रहा है उसके कवच को। उसके कवच को भेद पाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए मेरे को ऐसा लगता है। यहां पे बोलते हैं जब तक अभिमन्यु का कवच उसके साथ है, जब तक उसका जो धनुष है उसको नहीं काटा जा सकेगा, जब तक उसके घोड़ों को नहीं मारा जा पाएगा, तब तक उसको हरा पाना मुश्किल है। कौन से वर्ष में? 29th verse में। और यहाँ पे जो अगला वर्ष है आप लिख लीजिए 48.30। प्लीज प्लीज जाकर के बताइएगा। और यहाँ पे ये स्वयं बोलते हैं अथेनम विमुखी कृत्य पश्चात प्रहणम कुरु सधनुष्को न सक्योमीपि चेतुरम सुरासुरे। अभिमन्यु को युद्ध से विमुख करके पश्चात विमुखी कृत्य पश्चात मतलब कि पीछे इसके ऊपर प्रहार करो, धनुष लिए रहने पर तो इसे संपूर्ण देवता और असुर भी नहीं जीत सकते हैं। क्या कह रहे कि पीछे से प्रहार करो यदि तुम इसे परास्त करना चाहते हो। क्या बोल रहे हैं? यदि अच्छसी, यदि तुम्हारी इच्छा है, मैं नहीं ये लूंगा। कहने का मतलब है, आप ध्यान सुनना, द्रोणाचार्य कह रहे हैं ये पापमय कार्य मैं तुमको सुझाव दे रहा हूं, लेकिन तुमको मानना है या नहीं मानना है ये तुम्हारी इच्छा है। पहला क्वेश्चन आता है, इतना बड़ा ब्राह्मण भारद्वाज का पुत्र परशुराम का शिष्य इतना पापमय कार्य कैसे सुझा सकता है? तीन कारण है इसका, आचार्य कहते हैं। पहला कारण, द्रोणा कमांडर इन चीफ था, कमांडर इन चीफ यानी सेनापति था। उसको लगा सेनापति का सबसे बड़ा दायित्व क्या होता है? अपने राजा की रक्षा करना। वो सोचे कि अगर इसको रोका नहीं ये आज हमको भी मारेगा और दुर्योधन को भी मार डालेगा। इसलिए वो सोचे कि मेरा अभी सबसे पहला ड्यूटी क्या है? दुर्योधन की रक्षा करना। पर वो फिर भूल गए, मैंने आपको वही सुरत में बताया, राजा या राजतंत्र या राजधानी ये सभी नीचे आते किसके? धर्म से। धर्म सर्वश्रेष्ठ है, तो उन्होंने धर्म को नीचे रख करके अपना निजी जो धर्म है वो क्या कर दिया कि मेरे को रक्षा करना अपने राजा की। इसलिए उन्होंने कपट से बोल करके कहा, क्या सुझाव दिया? पीछे से इसको मारो, कोई घोड़ा मारे और कोई इसके सारथी को मारे, तब इसको हराया जा सकता है। दूसरा कारण, एसोसिएशन, असत्संग त्याग वैष्णव आचार। सबसे पहला महाप्रभु क्या कहते हैं? असत्संग त्यागो। किसका एसोसिएशन ले रहा था द्रोणाचार्य? दुर्योधन का। तो आचार्य बताते हैं द्रोणाचार्य ये सोचने लग गया कि अरे 2 दिन तक मैं जो वचन दिया था वो निभा नहीं पाया। क्या वचन दिया था? कि युधिष्ठिर को जिंदा पकड़ूंगा। आज 3rd दिन मैंने अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र कहने का मतलब है चक्रव्यूह की रचना कर दी। वो चक्रव्यूह को भेद पाना जो देवताओं के लिए मुश्किल है, जिससे मैं सोचा था कि मैं तो पकड़ लूंगा युधिष्ठिर को, पर ये चक्रव्यूह को भेद करके अभिमन्यु बस भेदा नहीं,
अरे ये तो ऐसे युद्ध कर रहा है कि अगर युद्ध करता रहा तो हमको क्या, ये दुर्योधन को पकड़ के मार डालेगा, इसलिए वो सोचे कि मेरा ह्यूमिलिएशन हो रहा है और वो अपनी लाज बचाने के लिए उन्होंने ये चीज बोला। तीसरा कारण कि कई बार नहीं कहते कि भूत प्रेत पकड़ लेना दानव, तो जो एसोसिएशन के कारण जो अंदर जो दानवपन था, या कह सकते बाहर से जो दानव ने अटैक कर दिया, उनके मति को बिगाड़ दिया, वो भी एक कारण है। इसलिए वो क्या बोलते, यदि तुम्हारी इच्छा है कर्ण तो तुम करो, सिर्फ सुझाव दिया, मेरे ऊपर मत थोपना कि मैंने ये बोला था कर्ण के लिए, मैंने तुमको बस सुझाव दिया है, पर दे दिया ना। जैसे हम लोग कई बार बोलते हैं यदि ये पाप आपको करना है तो आप करिए, हम नहीं करेंगे, पर आपने सुझाव दिया दिमाग में, द्रोणाचार्य ने ये सुझाव दिया था। और इसके बाद तो पश्चात, पश्चात लिखा है पीछे से। इसके बाद जो 31 और 32 वर्ष है, पढ़ो आप क्या करते हैं। ये है अभिमन्यु, अगर इसको ले लें ठीक है। अभिमन्यु युद्ध कर रहा है ऐसे बहुत से महारथियों के साथ, खास करके 6 महारथी हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है, सब एक से बढ़कर एक है। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, दुर्योधना, दुर्योधन का एक्चुअली दुर्योधन नहीं है, ये दुशासन, दुशासन का पुत्र है, दुर्जय इसका नाम कहीं कहीं दिया गया है, यहाँ पे अभी मेंशन नहीं है इस श्लोकों में, और कर्ण, और ये है अभिमन्यु बीच में, ठीक है। ठीक है, आप कहते हो कि एक योद्धा कई बार युद्ध किया है, ध्यान देना अभिमन्यु युद्ध कर रहा है हर एक के साथ। द्रोणाचार्य ने कर्ण को बोला, मतलब समझ लो कहीं इधर था, कि अभिमन्यु को मारना है, तो अभिमन्यु के क्या करो, घोड़ों को मारो, ठीक है, सब घोड़ों को मारो, उसके सारथी को मारो, और उसका जो कवच है उसको भेद डालो, उसके बाण को तोड़ डालो, ठीक है। ये कर्ण को सुझाते हैं। कर्ण, कृतवर्मा और तीसरे कृपाचार्य, तीनों के कर्ण, कृपाचार्य और कृतवर्मा। कृपाचार्य ने क्या किया, कृपाचार्य ने उसके सारथी को मारा, किसके, अभिमन्यु के। सबसे पहले, उससे भी पहले, मारने से पहले कर्ण ने क्या किया, विरथम विधनुषकम च कुरु स्वयनम यदिच्छसि, तुम्हारी इच्छा हो यदि, तदात आचार्य कवच श्रुत्वा कर्णो व्यकर्तनस्त्वरम्। कर्ण आचार्य की बात मान करके पीछे से जाता है अभिमन्यु के, और पीछे से उसने जो वो चला रहा होता है धनुष, उस धनुष के पतंचा को तोड़ देता है अपने बाण से मार के, और वो क्या करता है, उसके जो कवच होता है उसको वो काट देता है। क्या कर्ण ने अभिमन्यु को पीछे से मारा था? हाँ मारा था, ये मारा था। नहीं अगर पता, पढ़िए जाके महाभारत में, आपसे विनती करूंगा, नहीं इच्छा है पढ़ने का, नहीं जानने की इच्छा है, तो आप फिर बोलिए मत कुछ, आप मौन व्रत करके शांत बैठे रहिए। मैं एकादशी के दिन कुछ बोलना नहीं चाहता हूं लोगों के लिए, लेकिन आप कृपया करके, बस मेरा आपसे यही विनती है, नम्र निवेदन है, कृपया हाथ जोड़ के मैं बोल रहा हूं, अगर इच्छा नहीं है महाभारत पढ़ने की, महाभारत सुनने की इच्छा नहीं है, आप मत पढ़ो, मत सुनो, गलत तो मत बोलो,
क्या कर्ण ने अभिमन्यु को मर्सी किलिंग दिया था जो स्टार प्लस के, मैं तो मेरे को आप कृपया प्रोड्यूसर का नंबर दीजिए, मैं आपसे बस यही निवेदन करूंगा, वो प्रोड्यूसर का नंबर दीजिए, मेरे को उनसे पूछना है कि आपने किस शास्त्र के माध्यम पर रख करके ये दिखाया है कि कर्ण वो आता है अभिमन्यु को और मर्सी किलिंग, जा बेटा तू इतना दुख में जी रहा है, मैं तेरे को पेट में चाकू भोंक देता हूं, तो मैं आपके पेट में ऐसे चाकू भोंक देता हूं और कहता हूं कि अरे आपको कितना दुख हो रहा था, ठीक है, कितना कष्ट हो रहा है, तो कृपया करके ये गलत चीज मत बताइए कि मर्सी किलिंग किया गया था अभिमन्यु का, ये कहीं नहीं दिया महाभारत में। वो पीछे से आ करके कर्ण ने जब बाण मारा और जब अभिमन्यु का बाण जो धनुष था टूट गया, कवच को भेद दिया, तब कृपाचार्य ने कृतवर्मा ने उसके घोड़ों को मार दिया, क्योंकि अभी बाण ही नहीं ना है, धनुष ही नहीं है तो कैसे चलाएगा, आप समझ रहे हैं, धनुष नहीं है चलाने के लिए तो कहां से चलाएगा, क्योंकि जैसे आप मान लो आप मारने जा रहे हो, वो अटैक कर रहा, आप देखे अरे धनुष ही टूट गया, तब तक उसने घोड़े को मार डाला, किसने, कृतवर्मा ने, ठीक है। फिर कृपाचार्य ने उसके सारथी को मार डाला, रथ को तोड़ डाला, यहां तक क्या ये गलत नहीं है, और अगर इसको गलत आप नहीं बोलते हैं तो फिर आप याद रखना कि प्रकृति भी देख रही है, वो आपके जीवन में भी ऐसे ही कुछ करेगी। आगे बढ़ते हैं, ये वर्षा पढ़ना 31-32। तो अभी अभिमन्यु का रथ टूट गया, कवच टूट गया, धनुष का प्रत्यंचा टूट गया, और फिर अभिमन्यु जैसे भगवान कृष्ण ने पहिए उठा लिए थे किसके, वो रथ के, वैसे अभिमन्यु पहिया उठा करके युद्ध करने लग जाता है, और अभिमन्यु पहिया उठा करके जब युद्ध करने के लिए दौड़ता है, उसकी ललकार को देख करके घबरा जाते हैं, उसने सबसे पहले काली के वसती और इन सारे को मार डालता है, ये सब शकुनी के भाई हैं, कपटी शकुनी के भाई हैं, और उनको मारने के बाद अर्जुन क्या करता है, अर्जुन कह रहा अभिमन्यु युद्ध करना आरंभ करता है, और सारी तरफ से सोचिए कुछ है ही नहीं, सेव पहिया जो रथ का पहिया उसको उठा करके ऐसे नचा रहा है, मार रहा है लोगों को, छयों महारथी उसको मारने लग जाते हैं, और छयों जब महारथी उस पर अटैक करने लग जाते हैं, उस समय दुशासन का पुत्र कुपित होकर के गदा हाथ में लेकर के अभिमन्यु के पीछे दौड़ता है और उससे युद्ध करने लगता है, क्योंकि उसके मामा के सारे जो भाई थे उनको मारते चला जा रहा था, अभी भी नहीं रुक रहा था कौन, अभिमन्यु। तो अभिमन्यु आगे बढ़ रहा है, ये आपका चैप्टर बदल गया है, चैप्टर हो गया 49, और आप सोचो एक योद्धा इतने देर से लड़ रहा है, उसका रथ तोड़ दिया आपने, जो गांडी जो धनुष था उसको काट दिया आपने पीछे से आपने उसको उसके कवच को काट दिया, उस पर प्रहार कर दिया आपने, मार दिया एक तलवार से, वो फिर भी पहिया लेके युद्ध कर रहा है, और उसके बाद जब ये जो दुशासन का पुत्र होता है दुर्जय, वो उसके साथ गदा युद्ध करने लगता है, और अर्जुन जो होता है ये अभिमन्यु वो उसके साथ युद्ध कर रहा होता है, अतः गदा हाथ में लेकर एक दूसरे का वध करने की इच्छा से ये भी जो होता है अभिमन्यु चक्र को छोड़ के जो पहिया था वो गदा पकड़ता है, और गदा पकड़ करके वो भी युद्ध करने लगता है, लेकिन इतने देर से युद्ध करने पे वजह से वो मार सकता था उस दुशासन के पुत्र को, लेकिन हर तरफ से बाण भी तो मारे जा रहे हैं, आप समझो मैं आपसे लड़ रहा हूँ, बाण भी मेरे को लग रहे हैं, कौन है, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कृतवर्मा, कर्ण, तो
ऐसे को साथ युद्ध भी कर रहा है, बाण भी मारे जा रहे हैं, वो दोनों जब युद्ध करते हैं गदा युद्ध में तो वो गिर जाते दोनों। और चूंकि ये तो अभी आया था दुशासन का पुत्र दुर्जय, उठ जाता है, खड़ा हो जाता है और वो उठाता है गदा और अभिमन्यु अभी खड़ा ही हो रहा होता है कि इसके ऊपर चला देता है वो गदा, और वो गदा चलने से अभिमन्यु गिर जाता है, गिर के वहीं पे ढेर हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। और यहाँ पे 49.21 में जो पक्षियाँ होती हैं महाभारत में, ऊपर से जो देवता को छोड़ो जो ऐसा लिखा है, अंतरिक्षे च भूतानि प्राकोशंत विषामपते, कि जो पक्षियां जो अंतरिक्ष में चल रही होती हैं वो शोक करते हुए कहती हैं, क्या कहती हैं, तूर्ण कर्ण मुखे संग भीता राष्ट्र महारथे एको यम निहता सीते नैसा धर्मो मतो हिना। द्रोण और कर्ण आदि छह कौरवों ने जो इस असहाय अवस्था बालक को मारा है, यह धर्म नहीं है। सोचो एक पक्षी को पता है कि यह धर्म नहीं है, हम मनुष्य हो करके कह रहे हैं ये धर्म है, यानी हम इतने नीचे गिर गए हैं, यानी कलयुग की बात सही है कि मनुष्य इतना नीचे गिर जाएगा कि उसको पशु पक्षी तक का भी बोलना दर्जा नहीं रह जाएगा। एक पक्षी को देख करके वो बोल रहा है, बोल रही है कि ये धर्म युद्ध नहीं है। सोचो देवी देवताओं का बात छोड़ो, पक्षी तक बोल रहा है कि ये धर्म युद्ध नहीं है और हम कहते हैं कि ये धर्म से मारा गया है, ये धर्म युद्ध है। अगर आपको फिर भी ये धर्म युद्ध लगता है तो शायद फिर हम इतने नीचे गिर गए हैं हमारी चेतना कि हमको यही नहीं पता चल रहा है कि धर्म युद्ध फिर होता क्या है। क्वेश्चन ये आता है कि क्या अभिमन्यु, अब इसमें देखो कुछ लोग क्वेश्चन ऐसे करते हैं कि अभिमन्यु ने अपने सुपीरियर से बिना पूछे घुस गया, नहीं, आप पढ़ो, किसने भेजा, युधिष्ठिर ने, युधिष्ठिर ने भेजने का प्रयास किया। हमको क्या लगता है, कई बार हम जीवन में अगर सफलता प्राप्त कर रहे हैं तो क्या होता है, हम अपने बड़ों का या धर्म का पालन कर रहे हैं, या कई बार हम धर्म का पालन करते रहते हैं और जब सफलता नहीं मिलता है तो हम कहते हैं कि अरे धर्म का कार्य करना ही बेकार है, या हमको डाउट होता है शायद हम अच्छे से पालन नहीं कर रहे। अब ये जीवन में याद रखो, ये जो भौतिक जगत है ये द्वंद्व का जगत है। मैंने आपको कई बार बोला कि सक्सेस सिर्फ इसी चीज पे गारंटी नहीं, हाँ धर्म सक्सेस मिलेगा, लेकिन ये कह देना कि हम किसी का पालन कर रहे हैं इसलिए हमको सक्सेस मिले, धर्म सक्सेस देगा पर आपके सामने देगा ये जरूरी नहीं है। जैसे कि आपने रामायण और महाभारत में भी सुना होगा, जो गंगा को बुलाया किसने, भगीरथ ने। अभी भगीरथ ने अकेले उसकी गंगा देवी को नहीं बुलाने का प्रयास किया था, उनके जो अगर आप देखोगे वो जो सोलर डायनेस्टी है सूर्य वंश, सगर महाराज के 60,000 पुत्रों का जब वध हो जाता है, उसमें कहानी में मैं जाना नहीं चाहता, 60,000 पुत्रों का जब वध हो जाता है तो उनके पुत्रों के तर्पण के लिए अंशुमान जाते हैं कपिल मुनि से पूछने कि इनका कैसे उद्धार होगा, तो वो कहते हैं कि तुम गंगा को इस धरती पे बुलाओ और उस गंगा के जल से इनका शुद्धि हो जाएगा, गंगा जल लव कनक पीता, क्योंकि वो भगवान के चरण से निकली है। तो अंशुमान जी तपस्या करते हैं, जीवन भर तपस्या करते हैं, उसके बाद उनका पुत्र दिलीप वो तपस्या करते हैं, उनका पुत्र भगीरथ वो तपस्या करते हैं, तब जाकर के क्या होता है, गंगा देवी प्रकट होती है। तो इसका मतलब कहना कि अंशुमान और दिलीप अच्छे भक्त नहीं थे या उनकी चेतना अच्छी नहीं थी इसलिए वो गंगा को नहीं बुला पाए, नहीं ऐसा नहीं है, उनका भी प्रयास। इसीलिए भगवान गीता में क्या कहते हैं, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महत्वया, धर्म की इच्छा करनी चाहिए, धर्म के लिए प्रयास करते रहना चाहिए।
फल कब मिलेगा, हो सकता है हमारे समय मिले या हमारे बाद मिलेगा, पर मिलेगा। जैसे हम देखते हैं कि हिस्ट्री में भी कई राजाओं जो है कई बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करते थे और कई जनरेशन उनके निर्माण करते थे। तो ये कह देना कि वो जो राजाओं ने स्टार्ट किया था वो अच्छे से नहीं किए इसलिए उनके समय नहीं बन पाया, ऐसा कहना फिर हम उनके क्वेश्चन उठा रहे हैं कैरेक्टर पे। इसलिए भगवान के इनकंसीवेबल को समझ पाना, अचिंत्य शक्ति को, ये बहुत मुश्किल है। फिर लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान ये अभिमन्यु को बचाया क्यों नहीं, क्यों नहीं बचाए, बचा जैसे अर्जुन को हम देखते हैं कि अर्जुन के लिए कितना उन्होंने बचाया, और हम जब मंडे को भी देखेंगे कि अर्जुन के लिए उन्होंने क्या किया, तो यहां भी क्यों नहीं बचाया। वही मैं बोल रहा हूं, भगवान कई बार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी करके बचाते हैं, कई बार हमको ऐसा लगता है नहीं बचाते पर बचाते हैं। उनकी इस अचिंत्य शक्ति को समझ पाना बहुत मुश्किल है। भगवान से हमारा सिर्फ यही नहीं रिलेशनशिप होना चाहिए कि हमारे धन को, हमारे शरीर को हाँ बचाना चाहिए, लेकिन ये कहना कि हम भगवान से संबंध तभी स्थापित करेंगे, भगवान के नाम का जब तभी करेंगे, मंदिर तभी करेंगे, एकादशी व्रत तभी रखेंगे जब हम हमारे शरीर को स्वस्थ रखेंगे, जब हमारा धन सही रखेंगे, तो ये रिलेशनशिप एक तरीके से आप देखोगे ये बहुत ही तुच्छ और छोटा है। भगवान से कई बार हमारे शरीर की रक्षा करते हैं और कई बार हमारी चेतना जो है वो इम्पोर्टेंट है कि हमारी रक्षा होनी चाहिए, कि कहीं ऐसे ऐसे सोचे प्रचंड चल रहा है वेग दूषित, इन चीजों से हमारा बुद्धि नहीं प्रभावित होना चाहिए। इसीलिए धर्मशास्त्र को हमें पढ़ते रहना चाहिए, आचार्यों के वचनों को सुनते रहना चाहिए, जप इत्यादि करते रहना चाहिए, जिससे कि इन लोगों के ऐसे प्रोपोगंडा से, खास करके लिबरल और लेफ्ट लिबरांडो लोगों के प्रोपोगंडा से हमें बचे रहना चाहिए। एक और चीज क्वेश्चन उठता है कि अभिमन्यु को इस तरीके से मारने के लिए जो द्रोणाचार्य ने किया और कर्ण ने जो किया, तो क्या यही जिम्मेदार है, और क्या ये जो विपत्ति आया इसके लिए युधिष्ठिर महाराज भी जिम्मेदार है। तो हम देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि युधिष्ठिर महाराज अगर हम देखें तो उन्होंने क्यों अभिमन्यु को लिया, क्योंकि अगर युधिष्ठिर महाराज जो हैं ये सोच रहे थे कि अगर मैं पकड़ा जाता या मेरे को दुर्योधन जिंदा या द्रोणाचार्य पकड़ लेते तो अधर्म की क्षति होती, धर्म की क्षति होती, इसलिए उन्होंने अभिमन्यु को रखा। और एक तरीके से हम कहेंगे कि मृत्यु का कारण द्रोणाचार्य भी है, कर्ण भी है, लेकिन कोई और भी है, वो देखेंगे यहां पे। लेकिन हम देखते हैं जब अभिमन्यु इस तरीके से मारा गया, जिसको 6 महारथियों ने मारा, कैसे मारा, अत्याचार करके मारा, पीछे से मारा, वो अर्जुन जो कि भगदत्त जिसने भीम को परास्त कर दिया, वो गजराज को अर्जुन भी चाहता तो पीछे से मार सकता था ना, ये डिफरेंस है अर्जुन और कर्ण में। और हम फिर भी कहते हैं कर्ण महान है, तो शायद हमने महानता का क्वेश्चन ही फिर गलत बना दिया है, महानता फिर महानता नहीं रह गए, क्योंकि अर्जुन भी मार सकता था पर अर्जुन ने मारा नहीं, पर कर्ण ने सोचा नहीं। ये होता कायर व्यक्ति, जब उसके ऊपर विपत्ति पड़ता है सिर्फ वो ये देखता है क्या कि मैं इस विपत्ति से कैसे भाग जाऊं या कुछ तो कर कपट करके इस विपत्ति से निकलूं, उसका जीवन का बस लक्ष्य ही होता है अपने बारे में सोचना। तो ये कर्ण जो कि उसको लग रहा था कि अरे दुनिया क्या कहेगी कि मैं हार गया, वो पीछे से आ करके भेद डालता है, और उसका हम ये कहते हैं कि वो मर्सी के लिए दया करके दिखाया। अगर ये दया है तो फिर क्रूरता क्या है, और वो पीछे से आ करके मार डालना
और उसके बाद पीछे से आकर के उसके बाणों को तोड़ना, उसके कवच को काटना और छयो महारथी मिल करके एक योद्धा को मारते रहना और एक लड़े उसे गदा से, क्या ये क्रूरता नहीं है? और अगर ये सब के बाद भी अगर ये क्रूरता नहीं है तो फिर क्रूरता का डेफिनेशन उन लोगों से पूछना चाहिए कि क्रूरता ब्रूटैलिटी का डेफिनेशन क्या। अभिमन्यु के इस मृत्यु के बाद देखेंगे कि क्या होता है, क्योंकि सूर्यास्त होने लग जाता है, सूर्यास्त हो जाता है, युधिष्ठिर महाराज बहुत विलाप करने लगते हैं, संताप करने लगते हैं, कोई तो आता है उनको इस संताप से उबारने के लिए। और अभी तो अर्जुन और कृष्ण को नहीं पता है कि उनका प्यारा अभिमन्यु को इस दर्दनाक ऐसे मारा गया है। आखिर कौन जिम्मेदार था, किसको अर्जुन जिम्मेदार समझता है? मेरे ख्याल से जिसको भी अर्जुन जिम्मेदार है वो तो है ही है, लेकिन कर्ण और द्रोण ये छह महारथी भी धुले नहीं हैं। और अगर हम इनको सिर्फ ये कह के छोड़ दें कि इन्होंने कोई क्रूरता नहीं किया है तो ये गलत होगा। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि कृपया करके आप उन लोगों तक ये मेरे मैसेज को जरूर पहुंचाएं कि ऐसे ढोंगीपन चीज को रोका जाए। ठीक है, कृपया करके अगर आपको महाभारत में इंटरेस्ट नहीं है, नो डाउट, मत पढ़ो, मत सुनो, पर गलत प्रोपोगंडा मत फैलाओ। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।